Welcome to this very special edition of the KJ Masterclass Live, the show which ensures that you profit from your time spent here with experts, either through their industry insights, information, or simply learning from them. And today we will be talking about Indian agriculture. Aaj hum desh ke agriculture ke bare mein baat karenge, farmers ki baat karenge, farming ki baat karenge. Aaj hum koshish karenge ki jo issues hai farmers se, unke issues ko hum फार्मर्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करें और इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं. हमारे साथ तीन वेरी सीनियर पीपल फार्मर्स देमसेल्व्स आर हियर एंड वी विल बी टॉकिंग टू देम. वी हैव गॉट भवेश जी, वी हैव गॉट संतोष जी, वी हैव गॉट गुरप्रीत सिंह जी संघा जी. सो एक बाय एक हम कोशिश करेंगे कि सबके साथ आप लोग का स्वागत है इस शो में. ये शो फेसबुक पे भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, इंटरनेशनली रंबल पे भी जा रहा है. तो जिस किस चैनल पे भी आप लोग अगर देख रहे हैं, वहां पर अगर आप हम लोगों से कुछ भी लिखेंगे तो आपको आपकी बात यहां तक पहुंचेगी, आपके क्वेश्चंस भी हम ले पाएंगे. हम यहां पर आपकी आवाज को कोशिश करेंगे सामने रखने की. तो आप बेझिझक जिस भी चैनल पे आप देख रहे हो, आप अपने सवाल रख सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट and they will be able to answer. तो एक बाय एक मैं चाहता हूं भवेश जी से शुरुआत करते हैं. भवेश जी, अपने बारे में अपना परिचय खुद दीजिए. इससे क्या होगा कि आपका संबंध डायरेक्टली जो सुनने वाले हैं, इसमें बहुत सारे फार्मर्स भी हैं, सुनने वालों में भी, समझने वाले में, और देश के दूसरे दूसरे तबके के लोग जुड़े हुए हैं. अपने बारे में बताइए ताकि वो समझ सके वो किनको सुन रहे हैं. अगर आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है तो गिव दैट डिस्क्लेमर ताकि उनको पता रहे कि ओके, ये इनकी बातचीत के पीछे जितना डिस्क्लेमर अच्छा होता है उतनी आपकी बात को लोग उस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं और आपकी बात को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहने से कोई नुकसान नहीं है. बट डिस्क्लेमर से इतना पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है हम इसकी बात को किस दृष्टिकोण से देखें. दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस थिंग. ये मैं इसलिए चाहता हूं कि सबकी तरफ से एक क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जितनी बातचीत हो उस डिस्कशन का मतलब ही कुछ और होता है. एंड द होल आइडिया ऑफ दिस डिस्कशन इज टू ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेशन, मोर एजुकेशन टू एवरीवन अबाउट आवर फार्मिंग, आवर इश्यूज ऑफ द इंडियन फार्मर. भवेश जी. जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को मौका दिया और जो गलत फहमियां हैं लोगों के बीच में उसका दूर करने के लिए आपने बहुत बड़ा अच्छा एक इनिशिएट लिया है. उसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अपना जो नाम से शुरुआत करता हूँ, मेरा नाम जो है भावेश पटेल, मैं गुजरात से हूँ, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज फिलहाल अभी तक, और मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है. हाँ, पॉलिटिकली इश्यू जरूर है, तो हम बीइंग अ फार्मर एक भारत के नागरिक के तहत हम इनसे पॉलिटिकली इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नेताओं के साथ, सरकार के साथ मिलके. हाँ, और दूसरी एक बात यह है कि मैं 2015 से पाटीदार मूवमेंट में सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में आया हूँ और तब से मैं पब्लिकली हमने समाज की और किसानों की बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने समय समय पर रहते हुए आवाज उठाता रहा हूँ. राइट. गुरप्रीत सिंह जी. नमस्कार सभी साथियों को, और अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए. एंड एज यू राइटली सेड इन इंट्रोडक्शन, वी शुड बी हैविंग प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल कैन गेट टू हेयर इंफॉर्मेशन विच इज विदाउट प्रोपेगेंडास फ्रॉम ईदर साइड. सो मेरा नाम गुरप्रीत सिंह सांगा है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हूँ. ये जिला बिल्कुल राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, जहाँ पर एक तरफ हरियाणा से और एक तरफ पंजाब से सटता है. तो आप समझ सकते हैं खेती बाड़ी बहुल एरिया है. मैं पेशे से इंजीनियर हूँ. मैं करीब 16-17 साल विदेश में रहा और फाइनली मैं अराउंड 2010 के आसपास इंडिया आ गया, और उसके बाद मैंने खुद खेती करनी स्टार्ट की. मैं तीनों फॉर्मेट की खेती कर चुका हूँ, खुद करनी, ठेके पे देनी, आध पे करनी, बटाई पे करनी. और साथ साथ मैं 2014-15 से आदिवासी संघर्षों में साथी हुआ. राजस्थान में किसानी के मुद्दों से बड़े आदिवासियों के मुद्दे थे. और एज फॉर द पॉलिटिकल एफिलिएशन, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द मेन पार्टीज, बट अराउंड 4 months बैक देयर इज अ न्यू पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड इन राजस्थान, भारत आदिवासी पार्टी. तो उनके साथ हमारे वैचारिक संबंध थे. हम पहली बार, पहले वो BTP के नाम से लड़ते थे, लेकिन इस बार वो BAP के नाम से लड़े हैं. मैं उनका वैचारिक साथी हूँ, संघर्षों का साथी हूँ, और इस बार हम 3 MLA सीटें जीत के लाए और एक मध्य प्रदेश में जीत के लाए. तो ये मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, दैट्स अ डिस्क्लेमर. और
किसानी आंदोलन से, मैं किसान आंदोलन जो पहला हुआ उसके साथ भी एसोसिएटेड था एक्टिवली, और जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसकी कोऑर्डिनेशन टीम में था, और इस बार जो किसान आंदोलन पार्ट टू हो रहा है उसमें भी मैं एसोसिएटेड हूँ डायरेक्टली। सो ये भी मेरा एक डिस्क्लेमर मान लिया जाए। थैंक यू। इससे देखिए विश्वास बढ़ता है, पता होता है किसी को किसी भी एसोसिएशन से कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर ए वेरी गुड कंट्री, और जितनी ट्रांसपेरेंसी से बात होगी उतना ही अच्छा है। और इसीलिए अब हम आते हैं संतोष जी, आप बताइए। जी पहले तो सभी को नमस्कार, जय जवान जय किसान। और जैसे अजय जी भावेश जी का मेरे पास फोन आया तो बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप की जो चैनल है और किसानों के बीच की और किसानों के दर्द को यदि हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बयां कर सके तो सब अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक छोटे से गांव से निकला हूं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिला, शायद आप जानते हैं विदिशा जिला के पास में एक छोटा सा गाँव है, जहाँ हम लोगों का जब जन्म हुआ तो उस समय स्थिति आई थी कि स्कूल नहीं थे पढ़ने के लिए, तो हम लोगों को पढ़ने के लिए जो 5 से 6 किलोमीटर दूर जो है ना जाना पड़ता था, जहाँ रोड भी नहीं हुआ करते थे। बट सोच और पॉजिटिव उस समय थी कि कुछ करना है अपने लिए भी और अपने गांव के लिए भी, तो निकले वहां से, पढ़ाई की, फिर विदिशा आए। विदिशा के बाद में फिर मैंने एग्रीकल्चर से मेरा जो है ना बीएससी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुआ, फिर एमएससी मेरा जबलपुर जेएनकेवी से हुआ। इसके बाद फिर मैं आईएमआई दिल्ली से मेरा जो है ना एमबीए भी मैंने कम्प्लीट करा, तो इस दो कंपनियों में भी मैंने उस समय काम करा। तो सभी की जो जिस हिसाब से कंपनियों की सोच है फार्मर्स को लेकर और अपने एजेंडा को लेकर, सबका अपना अपना फिक्स रहता है। तो इसी के बीच में फिर अभी 3 साल से कंटिन्यू मैं संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा हूँ। इसके बीच में अभी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ में हमारा कक्का जी का एक खुद का संगठन है, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जो करीब 16 प्रदेशों में किसानों के लिए गैर राजनीतिक है, किसानों के लिए हम लोग काम करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी कॉल हुआ है इसी को लेके कि आगे जो है ना क्या मूवमेंटिंग रहेंगे, क्योंकि वो एक अलग विषय हो गया। तो इससे मैं भी जुड़ा हूँ। 2020 का जो आंदोलन था, आज यदि उसकी बात करें तो किसान जो है जिस हिसाब से मूवमेंटम जो नहीं बन रहा था मध्य प्रदेश में भी, अभी देख रहे हैं हम लोग तो काफी प्रेशर सरकार का, और इधर आप राजस्थान में भी देखें या फिर आप उत्तर प्रदेश में भी देखें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ज्वाइंट हैं फार्मर से। तो वो मोमेंटम जो 2020 में किसानों को दिखा कि जो एमएसपी पे गारंटी कानून या 3 जो कृषि कानून आए थे वो क्यों हमारे लिए फिटफुल नहीं थे, और यदि जो एमएसपी की जो मांग उठी है ये अभी आप देख रहे हैं 20 से 25 दिन के अंदर में जो मोमेंटम बना हुआ है, वो मोमेंटम ऐसा बना कि एक एक गाँव में किसान ही समझ चुका है कि एमएसपी गारंटी कानून क्यों हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अभी तक हम लोग पास्ट में भी देखते चले आ, जितने भी संगठन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना कोशिश तो उन्होंने काफी करी, लेकिन जो उद्देश्य थे कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेशर जो है ना बहुत रहता है। जब नॉन पॉलिटिकल में अभी आप काम करते हैं तो आपकी सपोर्ट कोई नहीं रहता, आपका सपोर्ट सिर्फ फार्मर है, आपकी जो है ना अपोजिशन भी आपका सपोर्ट नहीं देता, तो आपको जो है ना बहुत चीजें सोच समझ के वहां पर करना पड़ती है। लेकिन जो मोमेंटम बना हुआ है जिस हिसाब से अभी यदि गांव-गांव में हम लोग जब बात करते हैं, गांव से लोगों के जो फोन आते हैं कि सर एमएसपी गारंटी कानून हमको नहीं पता था, हम ये समझते थे कि मंडी में जाते हैं हम लोग तो मंडी में ये जो बिक रहा है ये सब एमएसपी गारंटी कानून है, कि 2175 रुपये की रेट है, यदि हमको 1800 मिल रहा है तो हमारा एमएसपी गारंटी कानून यही है। लेकिन जब आज की हम लोग बात करते हैं किसान से, जब बात करते हैं कि वो समझ चुका है कि जैसे सरकार ने जो है 2175 रुपये एमएसपी गारंटी कानून रखा है तो ये मेरा हक है, ये हक के लिए मैं मंडी में भी लड़ूंगा। तो ये मोमेंटम जो खड़ा हुआ है आज पूरे भारत में, तो मोमेंटम का कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है 2020 का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं श्रेय उनको भी जाता है। ये 750 किसान आज हमारे भाई हमारे बीच में नहीं है, आज उनका परिवार जो है ना हमारी ओर, हमारी मतलब गहरी आंखों से हमारी ओर देख रहा है कि मैं, मेरा बेटा यदि इस दुनिया में नहीं है लेकिन कोई ना कोई हमारे लिए लड़ रहा है, उन किसानों के सपने जो है उनके लिए कोई ना कोई एक खड़ा हुआ है वहां पर। तो वो मैं मिला भी हूं लोगों से, उनकी भावना यही है कि ठीक है हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन आज देश का जो किसान है उसको एमएसपी पे गारंटी कानून क्यों जरूरी है वो किसान को समझ चुका है, और हम लोग भी उसको बता रहे हैं ये सारी चीजें। दूसरा चीज मैं ये बता रहा हूँ इसी में, अभी हो कह रहा है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट अभी चेंजेस हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको लेके भी काफी बड़ी जो है ना भ्रमति है। और आने वाले अभी IOM करके एक संस्था है, आपको नॉलेज होगा इसका, उस संस्था ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने साफ इंस्टिगेशन दिया है कि पूरे भारत में ये 25 साल के अंदर में
ओवरऑल देखा होगा करीब 21.5 करोड़ जो फार्मर्स या फिर जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना बेदखलती रहेंगे या फिर वो एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं, वहां उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी कोई पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन ये 100% होने वाला है। तो मैं समझता हूँ संतोष जी उस पे आएंगे, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा बेसिक तरीके से समझना चाहता हूँ द्वारा, तो उस इशू पे एमएसपी पे भी आएंगे और जो आप बात बोल रहे हो उस पे भी आएंगे, बट पहले सबसे बेसिक जो है मैं समझना चाहता हूं आज के समय में, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोग जानते हैं फार्मर कौन है किसान कौन है, लेकिन मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं कि कुछ लोग बोल हर बात बात होती है तो बोलते हैं मां अन्नपूर्णा की सब पूजा करते हैं, किसान को अन्नदाता बोलते हैं और अन्नदाता किसी और के पास जाता बोलता है आप हमारे अन्नदाता हो आप हमारे हुजूर हो, तो किसान कौन है? बहुत बार सुनने को आता है कि ये इसको टैक्स बचाना है तो ये किसान है, किसी को किसी और चीज में कोई मतलब है तो वो किसान है, लेकिन जब कोई एक्चुअल किसान की बात होती है तो उस वक्त एक गरीब फेस को सामने ला दिया जाता है और लोगों को लगता है कि ये किसान है, लेकिन बहुत जगह से बहुत सारी चीजें होती हैं उस वक्त वो किसान दिखता नहीं है, वो सिर्फ पोस्टर्स में दिखता है और वो पोस्टर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको सूट करता है वो इस्तेमाल करते हैं और वो किसान दिखता नहीं है, जो कि एक्चुअली में लोगों के दिमाग में लगता है कि ये है अन्नदाता ये वर्क करता है, तो दूसरों के किसान होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आप लोग भी किसान हैं, आज किसान की परिभाषा क्या है, कौन है ये किसान, क्या बीच वाले लोग किसान है, मचौलियन किसान है, कोई फिल्म स्टार जिसको टैक्स बचाना है वो किसान है, एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पर बचाना है वो किसान है, क्योंकि ये किसान की मूरत काफी सालों से देख रहा हूं ये नहीं बदल रही है, जो मूरत बदल रही है वो एड्स में बदल रही है और किसी जगह बदल रही है, तो इसीलिए मैंने ये बेसिक सा सवाल किया कि आज हमारे देश के किसी बच्चे को हम बताएंगे कि किसान कौन है तो आप लोग कैसे बताएंगे, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से थोड़ी सी एजुकेशन शुरू करते हैं, यहीं से थोड़ी सी अवेयरनेस शुरू करते हैं, सो दैट वी नो एक्चुअली हु आवर आइडियल अन्नदाता इज। अजय जी इसके अंदर देखिए आपने जैसे बड़ा राइटली पुट किया कि एक पोस्टर बना दिया गया किसान, जो मदर इंडिया फिल्म में एक गांव का दुखी किसान होगा, सुखी लाला से पीड़ित है, हेंटर खाता है, कर्ज में रहता है, वो उसका एक कैरिकेचर तो ड्रॉ हो गया, लेकिन एक ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 85% किसान एग्जैक्टली वही किसान है जो मीडिया में दिखाया जाता है, जो फोटो में दिखाया जाता है, और जैसे आपने कहा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी उसको अलग अलग वक्त पे अपना एज अ पोस्टर बॉय भी यूज कर लेती है कि देखिए हम इसके लिए काम कर रहे हैं। देश का करीब 85-86% किसान जो है वो 5 एकड़ से कम भूमि का किसान है, वो पंजाब जैसे फर्टाइल एरिया से लेकर गुजरात के, राजस्थान के, हमारे प्रदेश के कई जगहों के बिल्कुल बंजर इलाकों से भी है, और वो दोनों तरह का आदमी है, वो भी किसान है जो अपने लिए खुद के लिए उगाता है, और वह भी किसान है जो सरप्लस भी पैदा करता है और बेचता भी है, वह भी किसान है जो अपने गांव में रहता है तो 5 एंसिलरी गांव का चमड़े वाला, गांव का लकड़ी वाला, गांव का बनिया, गांव का मंदिर का पुजारी उसी के अनाज के या तो पैसे से या बार्टर से चल रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि भारत देश की सिविलाइजेशन का जो एक पिरामिड का बेस है आज पॉपुलेशन के हिसाब से भी और स्टेबिलिटी के हिसाब से भी और ग्रो जहां से चीज कर रही है उसको हम किसान कह सकते हैं। अब उसकी परिभाषा में धीरे धीरे बदलाव कहां से आ रहा है, किसान खुद तो इतना नहीं बदल रहा है, आप जी का पंजाबी चैनल लगा लीजिए, ईटीसी का पंजाबी चैनल लगा लीजिए, तो एक फॉर्च्यूनर में आता है खेत में काम करने, उसकी बीवी 10 लाख के गहनों से लदी हुई उसके लिए खेत में खाना लेकर आती है और पीछे भंगड़ा की बीट्स बज रही है, नहीं वो किसान नहीं है। और इन्हीं तरह के खर्चों की वजह से, इन्हीं तरह के खर्चों के दिखावे की वजह से आज जो एक दूसरा पक्ष है जो किसानों के एंटी मान लीजिए या इग्नोरेंट है, उसको लगने लग जाता है शायद ये तो करोड़पति लोग हैं, और जो कि ये जानते हैं कि भाई ये करोड़पति है फिर भी ये शायद ये टैक्स नहीं देना चाहते हैं, ये हमारी सब्सिडी खा रहे हैं,
तो उन लोगों को उनके खिलाफ प्रॉब्लम लगती है। देश के अंदर शायद 99% लोगों को नहीं पता है कि एक लैंड सीलिंग एक्ट लागू है कि जैसे जहां फर्टाइल मोस्ट लैंड जहां पर है पंजाब की जैसे हरियाणा की, वहां 18 एकड़ लैंड सीलिंग है। आप चाहकर 50 फैक्ट्री बना सकते हैं, आप CII के टॉप परफॉर्मर हो जाएंगे, आप 50 फ्लैट खरीद सकते हैं, आप 50 फैक्ट्रियां और ऑफिस बना सकते हैं, यू विल बी काउंटेड एज अ परफॉर्मर। बट इवन इफ यू वर्क हार्ड विद योर स्वेट एंड ब्लड, आप 18 एकड़ से एक ऊपर जमीन नहीं बना सकते। सो पॉलिसीज इन इंडिया हैव इंश्योर्ड, देश की नीतियों ने इंश्योर किया है कि वापस किसान जब उठने लगे उसको दबाया जाए और उसको वापस जो आपने पोस्टर बताया था उस पोस्टर पे ले आया जाता है कि इसको गरीब रखना है। अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है कि क्योंकि हमें काम करने के लिए फैक्ट्रियों में मजदूर चाहिए तो हमें कोशिश करनी होगी कि यहाँ इनकम लेवल्स नीचे रखे जाएं, विच विल पेव वे टू देयर मूवमेंट टू इंडस्ट्री एंड लिव बेटर। अब वो लिव बेटर किसको कहते हैं वो जानते होंगे। तो किसान इन सब के बीच में से अभी भी वही एक बेसिक एंटिटी है जो खाना पैदा कर रहा है खुद के लिए दूसरों के लिए, लेकिन जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जिसकी बात आज बाहर नहीं पहुंच पा रही है। राइट राइट, भवेश जी आपके व्यूज। जी बिल्कुल, अभी गुरप्रीत जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा दिया, अब उसमें मुझे कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। मगर बिल्कुल सही कहा कि जो किसान गांव में रहता है, गांव में संघर्ष कर रहा है डे टू डे की लाइफ की, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवारों को पूरा जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो रियल में आज सफर कर रहा है। तो किसान जो है वो गांव में ही है और मजदूरी भी कर रहा है, खून पसीना भी बदन बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर अपनी जरूरतें आज भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जो अपने परिवार की, अपने बच्चों की, और सदियों से संघर्ष करता आया है। आजादी के बाद भी कुछ हालात इतने चेंज नहीं हुए हैं। संतोष जी बिल्कुल काफी अच्छा बताया, वही मैं बोल रहा हूँ कि MSP की जो हम लोग बात कर रहे हैं, MSP गारंटी कानून जो है वो क्यों नहीं लाना चाह रहा है। जैसे अभी आपने संता कुमार जी थे, संता कुमार की एक रिपोर्ट आई थी आपने देखा होगा 2005 और 2006 में, और 2014 और 15 में यदि इसका MSP पे जो सरकार खरीदती थी वो अभी 6% जो है ना टोटल जो है ना खरीदी थी, और 94% जो है वो कहीं ना कहीं फार्मर्स मंडी पे डिपेंड था या फिर कॉर्पोरेट डिपेंड था। टिल नाउ यदि आज की हम लोग सिचुएशन देखते हैं, जो ग्रोथ है ना वो 6 से 12 या 15% के बीच में आया हुआ अभी, वो बाकी अभी आप देखेंगे तो 85 से 86 जो परसेंट है ना अभी भी फार्मर मंडी है, MSP मंडी पर डिपेंड है या फिर कॉर्पोरेट पर डिपेंड है। तो ये गैप अभी बहुत ज्यादा है, चैनलों के माध्यम से बड़े ये बोल रहे कि हम लोग सरकार यदि MSP गारंटी कानून लाती है तो 17,000 करोड़ का उसको लॉस होगा। तो मैं तो काफी बड़ा ये पूछता हूँ, 17,000 करोड़ कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम? तो 18%, 17%, 16% की बात कर रहे हैं कि इतना सरकार खरीदती है, बाकी तो आप जो है ना जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं है ना या फार्मर्स कुछ नहीं रहती वो खरीदती है। तो इसके बीच में ओवरऑल देखेंगे तो लॉस मैं नहीं समझता हूँ, 17,000 करोड़ की यदि लॉस बात करना है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो ये बहुत बड़ा मतलब किसान का जो पैसा था, 17,000 करोड़ की बात कर रहा है किसान को देने की बात कर रहा है, कितना लॉस होगा इसका, मतलब फार्मर जो है मतलब काफी मतलब सालों से पैसे को जो है ना लॉस होता चला रहा है इसका। हम तो उल्टा दी सोचेंगे ना, तो फार्मर का पैसा था 17,000 करोड़ वो आप नहीं दे रहे उसको। दूसरा अभी गुरदीप सिंह ने जी ने बताया बहुत अच्छी बात कि ओवरऑल यदि देखेंगे कि जो फार्मर जो है जो एकरेज है फार्मर का 2 से 3 एकड़ 4 एकड़ वाला जो फार्मर है वो करीब 85% आज है, जिसकी यदि हम लोग इनकम देखें तो जो गांव में जो गरीब है या जिसको हम बोलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है उससे भी कम उसकी इनकम है। इसका कैलकुलेशन ये आप देखेंगे 27 से 28 रुपए पर उसका जो है ना पर डे की जो है ना इनकम बनती है। अब वो 27 से 28 रुपए में क्या खेती करेगा? तो दूसरा दी खेती से दूर करने का रेशियो आज का जो है ना 2% फार्मर जो है ना आज जो है ना नीति आयोग ने खुद बोला कि 2% की खुद बड़ी प्लानिंग है इसमें। हम लोग बोलते हैं किसी प्लानिंग क्यों कर रहा हो, आने वाले समय में यही बचाएंगे, और जैसे ग्लोबल वार्मिंग यदि चेंजेस होता है तो आप इतनी पॉपुलेशन को कहां लेके जाओगे? MSP यदि गारंटी कानून दोगे तो इनको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां खुद इतना रोजगार डेवलप होगा, ऐसा रोजगार बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि 2% था, नीति आयोग बोलता है कि 7 साल के अंदर में 14% किसानों को खेती से दूर करना है, इसके बाद में 10 साल के बाद इनको 20% किसानों को हम लोग खेती से दूर करना। भाई किसानी क्यों दूर हो रहा है? उस किसान के दुख और दर्द को तो समझो जो कभी आंख उठाकर नहीं दे सकता। आज आपने उनको जातिवाद में बांट दिया है, पार्टियों में बांट दिया है। आज जब हम लोग किसान के बीच में बैठते हैं ना
तो वो उसमें आप देखते हो जब मैं अपनी ट्रेनिंग की और बात करता हूँ तो पहले बोलता हूँ आप भाई पार्टी से दूर रखिए, मैं एक किसान के लिए बात करूंगा और किसान के हक और अधिकार की हम लोग बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कितना बड़ा एमएसपी गारंटी कानून जो है ना, एक बहुत बड़ा इसको ऐसा बना दिया कितना लॉसेस होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि एमएसपी गारंटी कानून किसान को मिलता है तो इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि फार्मर के पास जब इनकम आएगा, पैसा आएगा। आपने देखा जब 1999 में जो किसान क्रेडिट आया था उस समय की कंडीशन फार्मर की क्या थी, और आज जो है ना कर्ज कितना बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना फार्मर उसको उपयोग करा हुआ है। दूसरा, जब इसका उसको दाम दी 300-400 रुपए मिलेंगे, वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसको मिलना चाहिए। आज जो हम देखते हैं कि 50 साल के अंदर में एक सेंटर का जो कर्मचारी है उसकी सैलरी 250 गुना बढ़ा दिया आपने, और किसान की बात करते हैं तो 20 से 25 गुना ही आपने बढ़ाया, क्योंकि वो हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतना, क्योंकि कोर्ट कचहरी और अभी मध्य प्रदेश की बात करें, अभी आंदोलन चल रहा मध्य प्रदेश में, जितने भी लोग किसान थे जो किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे, मैंने वही बोला कि गैर राजनीतिक संगठन रहते हैं जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। 750 किसानों को जो है ना सरकार ने उठा लिया, इसके बाद जो किसान थोड़ा सा एक्टिव था उनके यहाँ नजरबंद कर दिया उनको, आज भी वही स्थिति है, आप नहीं कर पा रहा किसान। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि 2020 के आंदोलन के बाद में ये 15-25-30 दिन के अंदर में जिस हिसाब से मोमेंटम बढ़ा हुआ है, किसान समझ लाया कि एमएसपी गारंटी कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में 3 दिन पहले की घटना है, वहां पर जो एमपी जिसको टिकट दिया वो गांव में गया तो गांव किसानों रोक दिया, भैया एमएसपी गारंटी कानून कहां है, हमको पहले आप बोलता, आपने 2700 रुपए की बात करी और अभी कल ही जो है ना आपके मंत्री बाहर आके बोलते हैं कि 275 में 125 रुपए और जोड़ लो यही देंगे हम। तो आपने अपनी जो है ना वादे में बोला कि 2700 रुपए हम लोग देंगे आपको, 2700 रुपए में सरकार खरीदेगी, तो बाकी फिर कहां गया, तो अभी नहीं घुसने दिया उनने। तो कहने का मतलब किसान समझने लगा और समझना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राइट राइट, तो मैं आप लोगों से एक चीज और समझना चाहता हूं, बेसिक प्रॉब्लम कि काफी किसान अभी भी उस लेवल पे है जहां पे गुरप्रीत की काफी ज्यादा संख्या है, काफी सालों से पहले भी काफी बेनिफिट्स, सो कॉल्ड बेनिफिट्स मिलते रहे हैं, तो प्रॉब्लम किसानों के साथ है या किसानी के साथ है? क्योंकि किसान, किसानों के साथ अगर प्रॉब्लम की तो वो प्रॉब्लम तो अभी भी कंटिन्यूड है, वेदर दे गॉट द बेनिफिट्स और नॉट। इवन इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग अगर आप देखो तो जहां तक मैं समझता हूं, जैसे इरिगेशन सिस्टम है अभी भी नहीं है, तो मैं ये आप लोगों से समझना चाहता हूं कि फार्मिंग और फार्मर्स दोनों की समस्या एक ही है, दोनों अलग अलग हैं, या कैसे समझा जाए इसको, क्योंकि इतने सालों तक जो भी मिल रहा है कम बेसी, उससे संख्या किसानों की जो प्रॉब्लम्स की थी वो लग नहीं रहा है कि इस जो नंबर्स आपने गिनाए हैं उससे कम हुए हैं। तो मुझे समझाइए एक कॉमन पर्सन की तरह, यही प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि और किसानी और किसान इनके लीडर्स एक ही हैं या अलग अलग हैं, कौन है, मैं जानना चाहता हूं ताकि समस्या कहां अटकी पड़ी है, मैं ये समझना चाहता हूं ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी कंफ्यूजन में है कि भाई क्या बोले, किधर है, सबको पता है किसान के साथ है, लेकिन अब बिग बास्केट तो किसान नहीं है ना, लेकिन बहुत लोगों को अगर वही समझ में आने लगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चाहे उधर की तरफ से या समझने की तरफ से। यही कोशिश है इस प्रोग्राम की, आप लोग कृपा करके इसके बारे में थोड़ा बताइए। सब किसान को, किसानियत को मैनिपुलेट करके मारा जा रहा है, किसान और किसानी एक होने चाहिए थे, पर किसान को दबाया जा रहा है एक प्लान के तहत। कैसे दबाया जाता है, आप 70-80 करोड़ लोगों को तो दबा नहीं सकते हो, तो जिस चीज पे वो निर्भर है यानी कि किसानी, आपने जो दो ब्रैकेट बता दिए, तो किसानी को मैनिपुलेट करके किसानी को ऐसे मैन्यूवर किया जाता है कि एक लेवल से ज्यादा ना तो वो मरे ना पूरा जी पाए। और इसमें मैं अभी आज पार्टी की बातों पर भी नहीं आऊंगा क्योंकि ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स है। उस टाइम हम अन्न के ऊपर विदेशों पे निर्भर थे, मैक्सिकन गेहूं उतरता था 60 के दशक में, 65 में फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई, उसके बाद देश में संपन्नता आने लगी। लेकिन तब से एक बात बहुत ध्यान रखी गई कि एक लेवल से ज्यादा कमाई, एफ्लुएंस, the powers that they are, they ensure that beyond a certain point, ये
जी भी ना पाए लेकिन ये मर भी ना पाए, उनको उसी तरह रखा गया और हर चीज उनकी कंट्रोल रखी गई। आज शायद एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टर को आप छोड़ दें प्रोजेक्ट को, उससे ज्यादा अगर कंट्रोल कोई इंडस्ट्री होगी ना, किसानियत होगी। लोगों को पता नहीं है इस बात का, वो सोचते हैं मोबाइल इंडस्ट्री कंट्रोल्ड है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कंट्रोल्ड है, कार इंडस्ट्री नहीं। सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड, हेल्ड फ्रॉम द जगलर, इज द फार्मिंग इंडस्ट्री। आपकी हर चीज पे आप सरकार पे निर्भर हो। इरिगेशन आपने बताया, इनमें सेट है ही नहीं। आप पंजाब हरियाणा के कुछ एरियाज को छोड़ दीजिए, राजस्थान के दो जिले छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में अब थोड़ी बहुत आने लगी इरिगेशन। इरिगेशन सिस्टम्स आर बैड एंड इवन नाउ टू सप्लाई वाटर टू द इंडस्ट्री एंड वाटर टू द सिटीज, इनका इरिगेशन बंद किया जा रहा है ऑफिशियली बताकर। उसके बाद सरकार इनका जो इनपुट है उस पे कोई लगाम नहीं है। वो कैसे भी अपना जो कीटनाशक देता है, जो कुछ भी देता है, ट्रैक्टर देता है, वो अपने उत्पादों को अपनी मर्जी से प्राइस करते हैं, लेकिन किसान की जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर सरकार का इतना बड़ा शिकंजा है। कहने को तो एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने वाली कौन? सरकार। खरीदने वाली कौन? सरकार। पर सिर्फ जो पैडी और गेहूं है वो, क्योंकि सरकार को अपने 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए चाहिए जिनको मुफ्त में देना है, इसलिए वो 19-20% खरीदा जा रहा है। बाकी तिलहन और दलहन तो कहीं 1% भी नहीं खरीद रही है। फिर आपके अनाउंसमेंट का क्या मतलब हुआ? तो इट इज जस्ट शैम। और उसके बाद आप इसको कहते हो भाई फ्री मार्केट क्यों नहीं है, हर कोई अपनी मार्केट में प्ले करता है। तो किसानियत के थ्रू किसान को कैसे दबाया जाता है कि आप अपनी प्रोड्यूस को प्राइस ही नहीं कर पाते हो। मुझे बोल तो देंगे प्राइस कर लो, पर जैसे ही अब मेरी सरसों की खेती की फसल आने वाली है, इन्होंने पाम ऑयल का इम्पोर्ट परसेंटेज ड्यूटी बिल्कुल बंद कर दी है, कम कर दी है, ऑलमोस्ट जीरो कर दी है। तो जैसे ही मेरी अगले महीने फसल आएगी, मध्य प्रदेश में तो शायद इसी महीने आ जाएगी, उसी टाइम पाम ऑयल इतना आ जाएगा कि जो 7,000 रुपए क्विंटल मस्टर्ड बिकनी चाहिए अब वो 4,000 रुपए क्विंटल बिकेगी। तो अब ये इन तरीकों से किसानियत को सिर्फ उस लेवल पर रखा जा रहा है कि वो देता भी रहे जितना उसको भाई सरकार को चाहिए, इतना देश को चाहिए। बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट एन ऑन ऑफ स्विच कि आप इस बार बोल दोगे प्रोडक्शन कम कर लो, बढ़ा लो, घटा लो। तो उसको जिंदा भी रखते हैं लेकिन उसको मरने भी नहीं देते और इतना कमाने भी नहीं देते कि वो खुद मुख्तार हो जाए, पॉलिटिकली कंट्रोल कर सके। और जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, पॉलिटिकल पार्टी ही आजकल हर वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। वो आप चाहो ना चाहो वो धक्के से आपके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और उसके अंदर मिलता आपको वही है टॉप ड्रिवन एजेंडा कि वो जो चाहेंगे, नीचे का एजेंडा ऊपर नहीं जाता है। जिसके अंदर अब ये बदलाव किसान यूनियंस जरूर लेके आई हैं कि वो बातें उठाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइक एवरी अदर ह्यूमन टेंडेंसी, इसके अंदर भी जो किसान यूनियन का नेता हो सकता है मैं बिका हुआ हूँ, हो सकता है भावेश भाई, संतोष भाई, कोई भी बिक सकते हैं। तो वो जरूर होती हैं, एक्सेप्शन जरूर होती होंगी, लेकिन एक ये प्लेटफॉर्म फिर भी ऐसा है जो एटलीस्ट अपनी बात जाकर रखता है। तो आज ये फर्क है किसानी और किसानियत के अंदर। किसानी इज अ टूल टू सप्रेस किसान, राइट? तो ये बात है। अब बात देखिए समझ में आ रही है, तो ये समस्या आज की नहीं है, काफी दिनों से है और आपकी बात से लग रहा है कि डेलिबरेट है और इसमें काफी लोग मिले हुए हैं। पॉलिसी लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, तो इस समस्या को जड़ से तो फिर देखने की जरूरत है। भवेश भाई आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भवेश भाई माइक। जी जी बिल्कुल, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बता दिया और बहुत अच्छे से बता दिया। आप देखिए, जब भी एक एग्जांपल अभी दिया हमारे साथी ने कि जब किसान की फसल तैयार होती है, आप प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में तैयार होने के बाद, वो इतना बड़ा होता है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2000 मतलब एक साल पहले कॉटन का रेट 20 KG का यहाँ पे 2500 था गुजरात में, आज की डेट में 1500 रुपया है। तो ये जो 1000 रुपीज का डिफरेंस है पर 20 KG, आप देखिए कहाँ जाके खड़ा रहेगा, इसमें कैसे सर्वाइव कर पाएगा। 30% 40% प्राइस का वेरिएशन, तो उसकी कोई किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी आप इंडस्ट्रीज ले लो, उसमें इतना बड़ा तो रहता ही नहीं है। और किसान इसीलिए तो लड़ रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। हम एमआरपी पे तो बेच ही नहीं रहे, हमारी जो लागत है तय ही नहीं कर पा रहे। ये ऐसा एक बिजनेस है कि आप प्रोडक्शन तो करते हो मगर उस प्रोडक्शन को आपको कितने में पड़ी, उसकी कॉस्टिंग आई, हम मार्केट में किस कॉस्ट पे जाके बेचेंगे तब जाके हमें मुनाफा होगा,
वो तय करने का जो हिस्सा होना चाहिए किसान के पास, तो वो पावर है ही नहीं। राइट तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है एमएसपी की, जो पूरे इंडिया में मांग हो रही है, पूरे भारत लेवल पे, ये पंजाब और हरियाणा के जो किसान आज लीड कर रहे हैं, वो खाली अपनी लड़ाई नहीं है। अगर उनकी अपनी लड़ाई होती तो कब की खत्म हो चुकी होती। ये पूरे भारत की लड़ाई है और पूरे भारत के किसानों की आवाज बनके ये लोग खड़े हैं। और हमेशा से ये हुआ है, पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं, जहां भी आंदोलन हुए हैं, आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि गुजरात के पाटीदारों ने डिमांड की थी रिजर्वेशन की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो हुआ बेनिफिट, वो पूरे इंडिया को हुआ। आंदोलन तो गुजरात के पाटीदारों ने किया था। तो यही सेम चीज जो हो रही है आज पंजाब के हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं, वो इसका इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर वो पूरे भारत के किसानों की आवाज बनके खड़े हुए हैं। राइट संतोष जी, इसमें एक चीज और है, बाकी तो हुआ, लेकिन जैसे अदि ओवरऑल देखें, जैसे खेती का अदि जो एग्रीकल्चर का जो बजट है, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है ना 3.08 का बजट कर दिया है, अभी 10 साल 15 साल पहले का ही बजट देखेंगे तो जिसको जो है ना डिक्रीजिंग करते गए हैं। दूसरा एक जो है ना आरयू जिसको बोलते हैं ग्राम सेवक गांव में, जो पहले जो है ना 5-6 गांव को मैनेज करता था, उनको बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देता था कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी कैसे आए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बजट को कम कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा है कि जो पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी जो बना रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है ना पॉलिसी किसके दबाव में बना रहा है, क्योंकि उद्योगपति नहीं चाहते ना, उद्योगपति नहीं चाहते कि किसान को उसको दाम मिले। यदि उसको दाम मिलेंगे तो वो जो अभी आप बात कर रहे थे कि फार्मर जो है ना और फार्मिंग, जो फार्मर क्या है और फार्मिंग क्या, वो चाहते ना कि फार्मर जो है ना वहीं रहने दो, उसको उतने ही देते जाओ। अभी गुरजीत सिंह जी बोला उतने ही देते जाओ कि जितना पौधे को एक छोटा छोटा बूझा मरे भी नहीं और जिंदा भी ना रहे, ठीक है ना, उतना इसको पानी देते जाओ। दूसरा वही मैं बोलूं कि पॉलिसी मेकर जो है ना, वो आज भारत में किसान खेत खलियान में पॉलिसी नहीं बन रही है। आज की हमारी जो पॉलिसी, भारत की पॉलिसी कहां से लेके आ रहा है? आपने बोला कि चाइना का एफपीओ मॉडल आप लेके आ गए, ठीक है ना, आपने बोला कि भाई जो अर्जेंटीना चले गए, अमेरिका चले गए, वहां की पॉलिसी आप लेके, लेकिन अल्टीमेट क्या, वो हर हर जो है ना कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। आज 65 जो है ना कंट्रियों में फार्मर जो है ना एमएसपी गारंटी कुछ ना कुछ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अभी आपका जो है ना 8 दिन पहले आप देख लो WTO की बैठक थी, उसमें 65 मतलब कंट्रियां थी जिनने विरोध करा उसका कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप बाहर लेके आओ। यदि वो बाहर लेके नहीं आएंगे तो आप एमएसपी गारंटी कानून नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जो पॉलिसी मेकर है वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की प्रेशर में है। उद्योगपति चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि उद्योग को लेके आने के लिए उनका कहना है कि इनको चलाने के लिए हमको क्या होगा, सस्ते मजदूर चाहिए। आज मजदूरी आप देखो कुछ 500-600 रुपए मजदूर जो है ना खेती मिल रहा है, लेकिन उनको पता है कि फार्मर को लेके आएंगे तो ये 200-250-300 रुपए में भी काम कर ले, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। जिसकी इनकम 27 रुपए पर डे की है, वो बेचारा कैसे जी रहा है, वो तो कहीं भी काम कर लेगा। और ये उद्योगपतियों को दिख रहा है ये चीज कि ये सबसे सस्ता अधिक कोई है, इसको खेती से दूर करो, इसको दाम ही नहीं देंगे, एक साल दाम नहीं मिलेंगे, दो साल नहीं मिलेंगे। इसके 2-4 एकड़ वाला किसान जो 85% है, उनकी स्थिति ऐसी है आज, बिल्कुल स्थिति है कि वो खेती छोड़ने पे मजदूर है, मजबूर है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि WTO से जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर लेके आना पड़ेगा। जो 10% की जो सब्सिडी की बात कर रहा है, वो जब उससे बाहर आएंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगा। और ये मिलने से जो मैं बोलता हूँ जलवायु परिवर्तन की जो सिचुएशन आने वाली है 25 साल के अंदर में, कि वो अभी मैंने बताया कि 22 करोड़ जो है ना पूरे बल्ब से 22 करोड़ लोग कहां जाएंगे। तो इस पे जो है ना पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो है ना पॉलिसी मेकर खेत खलियान में जाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो चलेगा, बिल्कुल होगा। राइट, तो समझ में आई। तो पॉलिटिक्स है जो कि काफी पहले से है गुरप्रीत जी, तो यह आज की समस्या नहीं है। दूसरा, आप लोगों के हिसाब से जो इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट है, वो फार्मर्स को नहीं चाहते, फार्मिंग को चाहते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये समझते हैं। ओके, सो दैट फार्मिंग में हम घुस जाएं, फिर दिखाते हैं। अभी समस्या इतनी बुरी नहीं हुई है, वो मैं आपको बताता हूं, इसलिए वी शुड नॉट बी डिस्पोंडेंट इन लुकिंग एट द थिंग्स द वे द वर्ल्ड इज गोइंग, बिकॉज वी माइट बी ओनली सीइंग सम पार्ट ऑफ इट। मैं इसमें एक और चीज समझना चाहता हूं आप लोगों से, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मेरी समझ में कुछ कमी है, तो और भी समस्या है तो आप बताइएगा। हर बार जब भी कोई आंदोलन इस तरह का होता है, चाहे
वो अमिताभ बच्चन की वो मूवी थी ना मैं आजाद हूं, उसमें भी हर कोई दिल्ली की तरफ जा रहा है, कभी गन्ने का प्राइस, और तो देखिए आप माइंडसेट में कैसे लगा हुआ है, चाहे शुगर का रेट है या कुछ भी है, तो हर कोई दिल्ली के तरफ क्यों जाता है या देखता है? व्हाट अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स? इतने स्टेट्स हैं, हर जगह किसान है, किसानी है, समस्या है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है? आप ये कोई चीज स्टेट लिस्ट में नहीं आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आती है कभी, या हुआ होगा पर मुझे नहीं दिखा कि किसान आंदोलन गांव से निकलकर अपने स्टेट की राजधानी में गया हो, अपने एमपी के पास गया हो, एमएलए के पास गया हो कि आप हमारी समस्या को सॉल्व कीजिए, सिर्फ हम दिल्ली की तरफ भागेंगे तो कैसे होगा? आप मुझे समझाइए, मैं समझना चाहता हूं क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, हु इज, आर दे आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, हु वांट फार्मिंग बट डू नॉट वांट फार्मर्स? सर ऑन पेपर यू आर राइट, स्टेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एग्रीकल्चर आइडली इज अ स्टेट सब्जेक्ट, शुड बी अ स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि हर स्टेट की खेती की किस्म अलग है। पंजाब की खेती और छत्तीसगढ़ की खेती बिल्कुल अलग है, केरल की खेती जहाँ सब्जी और ये ड्राई फ्रूट्स है वहाँ की खेती अलग है, स्टेट सब्जेक्ट ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कई और चीजों में इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल स्टेट, उसी के एग्जैक्टली खेती बाड़ी को भी इतना इन्होंने कंसंट्रेट कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एमएसपी जैसे देख लीजिए केंद्र सरकार अनाउंस करती है, और वो अनाउंस कैसे करती है, उसके लिए एक बॉडी है सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइजेस, तो वो बताती है, वो तीन साल तो स्टडी करती है, फिर एक प्राइस निकाल के किसान को कहती है भाई तेरा ये लागत आई है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अब स्टेट के हाथ में कुछ रहा ही नहीं कि जब वहां किसी ने तीन साल पुराना डेटा लेकर, वो खुद मानते हैं कि हमारा डेटा क्रंचिंग करने में तीन साल का टाइम लगता है, तो 2021 की कॉस्ट लेंगे, उस पे बेस पे हमें बता देंगे भाई 2024 में तेरे को इतने की क्विंटल गेहूं पड़ी है, लेकिन तू उस पे अपनी फैमिली का खर्चा मत जोड़, तू और तेरी बीवी तो क्योंकि तुम्हारा काम है तुम फ्री में काम करोगे, तुम अपनी लैंड जो किराए पे ली है उसका खर्चा नहीं जोड़ोगे, तुमने जो अपनी कैपिटल एम्प्लॉय की है उसका खर्चा नहीं जोड़ोगे, लेकिन तुम्हें हम फाइनल हम इतने में तुमसे खरीद लेंगे, लेकिन वो भी हम कोई फसल 1% खरीदेंगे 2% खरीदेंगे। स्टेट गवर्नमेंट तो बड़े आराम से पल्ला छुड़ा लेती है कि भाई परचेज तो सेंटर को करना है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आंदोलन होते हैं अजय जी, आंदोलन किस बात पे होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने बारदाना प्रोवाइड नहीं किया, बोरियां जिसको बोलते हैं, वहां पर जिन मंडियों में सामान रखा है वहां लाइटें नहीं है, मंडियों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आवारा पशु घूम रहे हैं, या हमें जब कृषि बीमा चाहिए होता है तो बीमा की रूटिंग स्टेट की गवर्नमेंट के थ्रू होती है, जहां उनका आदमी जाके मौके पर निरीक्षण करता है, नुकसानों की भरपाई करता है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर आंदोलन होता है, गुजरात के अंदर आंदोलन होता है, लेकिन घुमा फिरा के जो कहानी पैसे की है ना कि कमाई है जो मेरी, तो जब बच्चे का जब रोना टूटेगा भूख लगेगी तो माँ की छाती की तरफ ही भागेगा, और वो छाती आज भारत की केंद्र सरकार है, उन्होंने अपना इतना कंट्रोल कर लिया। अब जैसे हर स्टेट की आप हालत देख लीजिए, जब से जीएसटी आया है वो अपना रेवेन्यू शेयर लेने के लिए भी सेंटर की तरफ मुंह ताक रहा है, तो एग्जैक्टली किसान भी पिछले 35-40-50-60 सालों से सिर्फ सेंटर की तरफ मुंह ताकता है कि आप अच्छी एमएसपी डिक्लेयर करो और उसके बाद खरीदने के लिए बजट दो, और जब तक वाजिब पैसा नहीं मिलेगा, हम कितनी ही उसको अन्नदाता कह लें कुछ भी कह लें, तब तक वो वाजिब वो किसान नहीं उठ खड़ेगा। फार्मिंग नीड्स एंड इंडस्ट्री स्टेटस, ये इतनी सी बात है, बार बार हमें बोल दिया जाता है तुम इंडस्ट्री की तरफ फ्री ओपन प्लेइंग ग्राउंड में क्यों नहीं आते हो। आज मुझसे पूछा जाए तो भैया हमें मत दो सब्सिडी, हमें कुछ मत दो, हमें इंडस्ट्री स्टेटस दो, मुझे भी डेप्रिशिएशन की इजाजत दो, मेरी भी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है दो, मेरी भी आज शायद या किसी को आपके व्यूअर्स में से भी नहीं मालूम होगा कि मेरे को जो बीमा मिलता है आपकी पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में, अजय जी आपका स्टूडियो है आपके स्टूडियो में आग लग जाएगी आपको बीमा मिलेगा, किसान को कह देंगे नहीं तुम्हारे 20 गांव के क्लस्टर में जब तक पूरा नुकसान नहीं होगा तब तक तुम्हारे खेत को भी बीमा नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। किसान को ये नहीं बोलेंगे कि भैया तेरे खेत में नुकसान हुआ इट इज इन मटीरियल, और हम इसके अंदर उजाड़ पशु आ जाएंगे उसका कोई नुकसान नहीं देंगे, कितने नुकसान गिना दिए कि इस केस में आपको फायदा नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्री स्टेटस अगर मुझे देना है आपको एक और बताऊं, हम मेरी 10 एकड़ जमीन है मैंने उस पर केसीसी लिया हुआ है, 1 एकड़ पे 1,00,000 रुपया मिलता है मैक्सिमम इंडिया में कहीं मिलता है, तो 10,00,000 रुपए मिल गए, मेरी जमीन है 10,00,000 रुपए प्रति एकड़ की,
तो मेरी 1 करोड़ की जमीन पे मेरा 10 लाख रुपया खुदा ना खास्ता रिकवर करना है, बाय रूल दे विल सेल ऑफ ऑल माय 10 एकर्स। मेरे 1 एकड़ बेचने से बैंक का काम चल सकता है, 2 एकड़ से बैंक को डबल मिल सकते हैं, पर एज अ रूल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेल ऑल माय 10 एकर्स। ये इंडस्ट्री वाले का तो किसी के साथ नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे जो तेरा प्लेज हुआ है, तेरी 1 फैक्ट्री से हमारे पूरे हो गए, वापस ले जा। हमारे लिए DRT नहीं है, हमारे लिए कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं है। तो ये देखना है कि ये और ये सबसे सारे अदारे जो मैंने जिक्र किए हैं, इसकी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। तो अनफॉर्चुनेटली चाहकर हमारे नजदीक है दिल्ली, आज तमिलनाडु का किसान बेचारे जंतर मंतर पर बैठे रहे, वो बेचारे चूहे खाए, उन्होंने अपना पेशाब कट दिया, सब कुछ किया, ये दिखाते कि शायद सरकार का मन पसीजे। लेकिन व्हेन द कंट्रीज गवर्नमेंट्स, आई विल नॉट से दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट्स आर रन बाय corporates whose only sole motive is money, तो यही होगा कि वहां सब। हमारे आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो काउंसलर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, ऑफिशियली हायर किए जाते हैं, KPMG है, प्राउज वाटर हाउस है, और ये कंपनी है। तो ये कंपनियां जब हमारे लिए कंसल्टेंट हैं जो कि बाहर की पॉलिसीज लेके आ रही हैं, तो किसान का कौन सोचेगा? हर किसी कॉरपोरेट को मालूम है डेटा की डिमांड खत्म हो सकती है, तेल की डिमांड खत्म हो सकती है। आपने आज अजय जी अच्छा खाया है, बुरा खाया है, 2 रोटी खाई है या बिरयानी खाई है, कल आप सुबह उसको साफ करोगे, आपको कल फिर खाना चाहिए। देर इज नो बिगर बिजनेस देन फूड बिजनेस, एंड बिग कॉर्पोरेट्स रियलाइज दैट, एंड दैट इज वाई 3 काले कानूनों से तो जमीन छीननी थी। ये जो पॉलिसी मेकिंग है, इससे जमीन धीरे धीरे कि किसान खुद अपना माथा पकड़ के कहे भैया ले लो, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली, कि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी ससेप्टेबल होती है प्रेशर पे, उसको अपना डरती है, देखता है कि पूरा हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो दूर बैठी है बहुत, और ये अनफॉर्चुनेटली इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट है पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी से घिर गई है। मान लीजिए अगर कहीं बहुत दूर बैठी होती तो शायद इतना घिरती भी ना। तो ये आपका जवाब है, क्योंकि दे सिर्फ सेंटर सकता है, इसका जो पेनेशिया इसका कोई है नहीं, जो थोड़े बहुत इलाज हैं वो इलाज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। भावेश जी आपकी आवाज। यस हाँ भावेश जी बिल्कुल सर, आप देखिए सर कि एक 1970 में जो किसान की हालत थी, मतलब ये किसान की फसल, और हमारे यहाँ पे गुजरात में एक एग्जांपल दिया जाता है कि 20 मन, मतलब एक मन जो हमारा है वो 20 केजी का होता है, 20 मन मतलब एक खांडी होती है हमारे यहाँ पे, और उसका रेट और गोल्ड का रेट पैरेलल चलता रहा। बिल्कुल, आज गोल्ड का रेट 65,000 के आसपास है, और जो मूंगफली है 20 मन की, उसका रेट आज 25,000 है सर। आप कंपेयर कीजिए, दोनों में डिफरेंस इतना बढ़ गया। तीसरी बात आप देखिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एक महंगाई भत्ता हर साल 3% 5% बढ़ता है, उनको सैलरी राइज होती है, तो हमारा तो 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में एक बार ये लोग करते हैं, और उसमें एक फसल के बारे में नहीं होता है सर, हर चीज भी अगर देखोगे तो हर चीज, आप 2006 का डेटा उठा लीजिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसानों की जो लागत लगती है, मजदूरी लगती है, हर चीज 2 से 3 गुना हो गई है। और गवर्नमेंट हमें तो वही दे रही है जो अपनी अपनी पॉलिसी बना रही है, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट तो हाथ खड़ा कर देती है कि सेंटर से जो डिमांड करेंगे वो जो करेंगे उसके हिसाब से हम करें खरीद करेंगे, वो भी पूरी तो करते ही नहीं है, उसमें भी एक मेजरमेंट रखा है। तो बाकी फसल अगर जो है वो मार्केट में बेचने जाओगे तो भी लॉस में जा रहा है, आप गवर्नमेंट खरीदिए तो भी लॉस में जा रहा है ना। तो हमें तो ऑलरेडी दोनों तरफ से खाली एक, जब मार्केट में लो रेट होता है तो हमें एक कहते हैं सुकून मिलता है कि चलो कुछ मार्केट रेट से ऊपर के दाम पे गवर्नमेंट ने खरीद लिया, खाली एक सुकून मिलता है, मगर वो भी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत बच जाता है। वो मार्केट में जब हम बेचते हैं तो ऑलरेडी अगर वो एवरेज निकालते हो ना तो बहुत चला डाउन चला जाता है, क्योंकि किसान हर चीज डिपेंड है मार्केट के ऊपर, फसल से जब लगाता है तब से मजदूर हर चीज उसको बाकी में मिलती है, उधारी में मिलती है, और तब जाके वो किसानी कर पाता है, उनको वो बिल भी चुकाने हैं फसल तैयार होने पे, तो वो लॉस में बेचना ही पड़ रहा है उसको, स्टोरेज की तो कोई कहीं कोई है ही नहीं व्यवस्था।
तो स्टेट के पास जाएंगे तो भी आवाज वो वहां से दब जाती है कि सेंटर करेंगे, सेंटर के पास। तो किसान देखो यहाँ पे एक तो किसान जो किसानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अभी कुछ युवा उनके हमारे जैसे बड़े लिखे थोड़ा बहुत आए हैं तो आवाज उठा रहे हैं, बाकी पहले क्या हुआ, आवाज जब भी उठाई है किसानों ने लाठिया खाई है। और इस बार भी क्या हो रहा है अब देख लीजिए सामने ही है ना, किसानों को लिए एक बॉर्डर बना दिया पंजाब हरियाणा पे, किले ठोक दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई, और लोगों को यह बताया जा रहा है कि किसानों ने रोका रास्ता। किसानों ने थोड़ी कहा, किसानों तो अपने रास्ता मांग रहे हैं, एक रास्ते पे जा रहे हैं अपनी एक जगह। पूरा एक 2020 में एक आंदोलन चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आधी दिल्ली को खाना खिलाया, किसने आवाज उठाई, किसको दिक्कत हुआ, तो क्यों दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है भाई, दिल्ली किसी की है, जनता की है भाई, इसलिए तो आपको चुन के वहां पे भेजते हैं। जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वोट देते हैं, हमारा हमारी समस्याओं की आवाज वहां पे जाके पार्लियामेंट में उठाए, मगर जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं फिर वो पार्टी के आदमी बन जाते हैं कि पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से हम बात काम करेंगे, तो जनता का प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद तो वो भी चला जाता है, फिर वो पार्टी गाइडलाइन आ जाती है उनकी, तो हमारी आवाज तो कोई उठा ही नहीं रहा है, नेता भी पार्टियों की बात कर रहा है, चाहे किसान हो या मजदूर हो। ये आंदोलन में किसान की बात भी नहीं है, यहाँ पे तो मजदूरों की भी आवाज उठाई गई है, मजदूरों के भी अगर एमएसपी अगर बढ़ा रही सरकार समझ लीजिए तो उसका बेनिफिट भी तो मजदूरों को मिलेगा, उनकी मजदूरी भी तो बढ़ेगी उसके साथ। तो दोनों तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं, पैरेलल सबकी आवाज है इसमें। अब जैसे ये फार्म बिल की जो बात की, अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट फार्मिंग आता है, कॉर्पोरेट क्या जो लागत लगाई है अपनी वो जोड़ेगा नहीं, वो जोड़ के मार्केट में सेल करेगा, वो एमआरपी के साथ अपने ही मॉल में जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जनता उस महंगाई से मार से वो जनता सड़कों पे आएगी, एंड यूजर जो है वो सड़कों पे आएगी, और सरकार किसको देगी सब्सिडी, कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को, कि भाई ये रेट आप डाउन कीजिए हम आपको सब्सिडी देते हैं। तो गिने चुने चार पूंजीपतियों को वो सब्सिडी देंगे, वो अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब बनता जाएगा, और जो पैसा भी दिया जा रहा है किसका पैसा दे रहा है, जनता का टैक्स का ही पैसा जाएगा सब्सिडी में, तो किसानों को देने में क्या दिक्कत है भाई। ये आंदोलन एक्चुअली जनता के लिए है और जनता की आवाज किसान उठा रहे हैं, ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन जनता को करना चाहिए था, कि कॉर्पोरेट हर चीज में कॉर्पोरेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सही नहीं होता है। अगर कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, आप देखिए जियो का ले लीजिए, जब जियो आया था कितने रेट में दे रहा था, आज देख लीजिए वो प्लान कितने रेट पे चला गया है, 3 महीने का प्लान बोला जाता है उसमें भी 84 डेज का 85 डेज का कर देते हैं, मनमाने तरीके से होता है, इनका महीना भी तो 28 दिनों का होता है। तो हर तरह से कॉर्पोरेट जो कल्चर है ना वो जनता का शोषण ही करती है, तो जनता अब जाग चुकी है, वो अपनी आवाज बुलंद कर रही है, तो उसमें गलत क्या है, जनता को साथ देना चाहिए इस किसान आंदोलन को, अगर आने वाले समय में आप अपनी थाली में शुद्ध खाना चाहते हो तो, नहीं तो लेबोरेटरी में बड़ा पका हुआ बग्स और केमिकल फूड आएगा आपकी थालियों में, क्या आप उसके लिए तैयार हो, वो आ रहा है अभी, ये चीजें शुरू हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा, कैंसर होंगे, डायबिटीज, बीपी, बहुत सारी बीमारियां पड़ गई, आज से 30 साल पहले कौन सी बीमारी थी, 90 साल जीते थे, आज देख लीजिए हमारा आयु 70 ईयर्स के आसपास 20 साल ऐसे ही घट गया है, कम हो गया है। तो चीजें लोगों को अब समझने की जरूरत है। संतोष जी आपके कोई विचार इस पे? नहीं, इसमें ही मैंने बोला कि जो पॉलिसी रहती है ना सेंटर की, जैसे WTA वाला मैटर हो गया या फिर MSP गारंटी कानून के लिए तो बाहर जाएंगे, लेकिन स्टेट की अपनी कुछ पॉलिसी रहती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जब वो अपना घोषणा पत्र लेके आती है, जैसा अभी मध्य प्रदेश बोला कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोला 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं खरीदेंगे, लेकिन नहीं खरीद माना, वो अभी बोल दिया कि 2275 प्लस आप 125 रो ले लो। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो संगठन ने पूरे भारत में जो है ना 2 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में आपके 42-43 जिले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ। तो कुछ स्टेट की पॉलिसी अलग ही रहती है, लेकिन जो MSP वाला गारंटी कानून है
वो तो दिल्ली से ही बनेगा, तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा। अब आप तो लोग मध्य प्रदेश में आप पढ़ते हो तो कुछ नहीं होने वाला, आना तो दिल्ली पड़ेगा। और 2014 में मोदी जी ने बोला हुआ है, आज जो मांग उठ रही है उसके पीछे रीजन क्या है? आपने 2014 में आपने अपने भाषणों में बोला हुआ कि हम सरकार में आएंगे तो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, और पूरा C2+50 के आधार पर ने बोला हुआ कि कैसे कॉस्ट बढ़ती है, क्या क्या हम लोग जोड़ते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक चीज बोला हुआ है। यदि आप वो चीज को नहीं मान रहे हो तो 10 साल से आप इसी पे तो बोलते चले आ रहे हो, और वही किसान मांगने चले आ रहा है। ये करण सिंह शिवकरण सिंह है आज जो हमारे बीच नहीं है, वो काय के लिए गए थे वहां? वो तो एमएसपी गारंटी कानून आपने बोला हुआ, मोदी जी हम दिल्ली आ रहे हैं आपसे मांगने के लिए, आपने 2014 में बोला और हमने वोट दिया आपको। तो वो 2014 का आपने जो अपना बोला है घोषणा पत्र में कि हम आम सरकार में आएंगे तो हम आपको देंगे, तो वही तो मांग रहे हैं सर, कोई अलग से नहीं कर रहा। किसान को क्या चाहिए? आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो, वो नहीं चाहता दिल्ली आना, वो तो अपने घर पे खेती करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कोर्ट कचहरी के चक्कर, वो कह रहा मेरे को एमएसपी गारंटी कानून दे दो साहब, तो मैं अपना खेत को जो है ना अच्छे से करूंगा। और जो जो इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, मेरे को एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा देश की इकोनॉमी जो है ना घोड़े की तरह दौड़ेगी। आप दो तो आप वायदे करते हो वो पूरा नहीं करते हो। राइट राइट, मुझे एक चीज समझाइए, भारत के बहुत सारे लोगों का जहां तक है, मेरा भी, हम सबका संबंध गांव से है, और गांव से ही हर जगह, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, स्टार्टअप्स में देख लीजिए, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, सब जगह है, आर्मी में देख लीजिए, हर तबका, 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फार्मर्स कंस्टिट्यूट, जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर कुछ फिगर्स में गलती है तो जरूर, एंड जीडीपी का इतना बड़ा। तो क्या हम सारे लोग जब गांव से बाहर निकलते हैं तो हम फार्मर्स या फार्मिंग के बारे में क्यों भूल जा रहे हैं? क्या है समस्या? जिनके पास, चलिए दूर है वो, उस मामले से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो लोग डायरेक्टली डिसाइड करते हैं उनको फार्मिंग या फार्मर से क्या बैर है? आज भी हम लोग बोलते हैं यार शहर में कुछ गड़बड़ हुआ गांव चला जाऊंगा, फिल्म वाले बोलते हैं फिल्म पिट गई गांव चला जाऊंगा, यहां कुछ नहीं रहा गांव चला जाऊंगा, ये नहीं रहा गांव चला जाऊंगा। फिर गांव के प्रति ऐसी भावना कहां से आई, ये बताइए आप लोग। अजय जी, ये स्थिति अब है, 10 साल पहले इससे थोड़ी कम थी, 20 साल पहले उससे कम थी, 30-40 साल पहले काफी कम थी। हमें, मुझे ध्यान है, मैं जब छोटा था 10-1 साल की उम्र का, तो चौधरी चरण सिंह जी के बगल में हमारा घर था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तुगलक रोड थाने में मैं रहता था, तो वहां पर आम किसान उठकर आकर मूड़ा खींच के बैठ जाता था, चौधरी साहब को बुलाओ ये काम है, और उस टाइम चौधरी साहब को उठ के आना पड़ता था और सुनवाई होती थी। ब्यूरोक्रेसी आप देखेंगे, बिहार की ब्यूरोक्रेसी अब थोड़ी कम हो गई है पहले से, लेकिन पहले शानदार अफसर उस 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में बिहार के आते थे, और वो बड़ा ध्यान रखते थे, वो अपनी, उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग उससे जुड़ी होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब इसमें हम और बड़े लेवल की बात पे आ गए हैं कि कैसे शहरीकरण करके और जो शब्द नौकर से नौकरी बना है, जब उस जंजाल में आदमी फंस जाता है तो वो स्वार्थी होता चला जाता है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं कोई भी है, धीरे धीरे वो कहकर स्वार्थी नहीं होगा, पर जब हर 30 तारीख की गुलामी जिसको बोलते हैं, उसको 30 तारीख को अपना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी दूसरी फीलिंग को दबाना पड़ता है। और उसी के चलते जो भावेश भाई ने अभी बात बोली है ना, कि जो आंदोलन की मेन लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो लड़ जिस जनता के लिए रहे हैं, वही हमें मुफ्तखोर, वही हमें नक्सलवादी, खालिस्तानी और सब कुछ कह रहे हैं, जिनके लिए ऐसी लड़ाई है। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर पिछले किसान आंदोलन में हमने वो वापस ना करवाया होता, तो हर साल ऑफिशियली अडानी अंबानी, मैं नाम लेके कह रहा हूं, ये बड़े बड़े अदारे, इनको ऑफिशियली इनके साइलो भी तैयार हो गए थे, सब कुछ ये अपना भंडारण करते, और इन्होंने फॉर्मूला भी रखवा लिया था कि नहीं, आप 100% से ज्यादा फलानी चीज नहीं बढ़ा पाओगे, देखो हम कितने अच्छे हैं, इस बार की 50 रुपए की दाल अगली बार 100 से ज्यादा नहीं बेचेंगे, देखो हम भले आदमी है, और तीसरे साल में वो 300 सौ जाती अच्छी, क्योंकि उनकी भंडारण अच्छी है, तो सारा माल खरीद सकते थे,
कालाबाजारी रोकने के लिए कानून बनाया गया था कि वो कालाबाजारी ना करें इतना ही स्टॉक कर सकते हैं, उन्होंने वो क्लॉज हटवा दिया। तो कितना भी जब स्टॉक कर पाएंगे तो एक बार तो वो सारा स्टॉक कर लेंगे, एक बार खूब भंडारण है और किसान औने पौने में उनको देगा। तो उसका दूसरा साल क्या नुकसान होना था, जैसे ही किसान की फसल आनी थी उन्होंने उस स्टॉक को मार्केट में निकालना था तो मार्केट का रेट टूट जाता। मार्केट की क्वालिटी होती है, जब सरप्लस आता है तो रेट टूट जाते हैं, तो किसान से फिर सस्ता लेते और फिर जब नॉन हार्वेस्ट का टाइम होगा उसको 5 गुना रेट पे बेचते। तो ये जब फीलिंग आ गई है जब कॉरपोरेट के अंदर, तो जो कॉरपोरेट के ही हम आर्म्स हैं, जो हम शहरों में काम कर रहे हैं घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं दिल हमारा अब भी गांव में है। आम आदमी जो दुखी पाता है, वो एक माँ की तरफ, मैं माँ का एग्जाम्पल दोबारा दे रहा हूँ कि वो माँ की तरफ भागता है तो वो भी अपने गाँव की तरफ ही भागेगा। और पहले भागते थे और वो अफसर की सुनवाई भी होती थी, नेताओं की भी सुनवाई होती थी, अब तो आप मिल ही नहीं सकते हैं ना। आप सोचिए दिल्ली तक नहीं जाने दिया जा रहा है। बेचारा शुभकरण सिंह 21-22 साल का लड़का था, 3 एकड़ का किसान था, बहन की शादी के लिए उधार लिया हुआ था, उसके यहाँ सिर के पीछे इतनी बड़ी पीतल की गोली निकाल दी। किस बात के लिए, कि हमें खतरा था। इससे खतरा का ऐसे था भाई, अब आपको दिल्ली तक जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये संवेदनाएं जो कम हो रही हैं, हो नहीं रही हैं, ये एक नैरेटिव के थ्रू कम भी करी जा रही है हर वर्ग के अंदर। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आई हैव टू से दिस, उसको आने नहीं दिया जा रहा है। और हमारी आवाजें, हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था, पिछले किसान आंदोलन में ट्विटर एक बहुत बड़ा हैंडल था। इस बार 22 तारीख को हमारी 12 तारीख की 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग थी चंडीगढ़ के अंदर। उसी शाम को हमारे बड़े लीडर हैं, रमनदीप मान है, तेजवीर सिंह मांगट साहब, उनके अकाउंट बैन हुए। 13 तारीख को मेरा ट्विटर अकाउंट बैन हुआ और देखते देखते मनदीप पूनिया, गांव सवेरा, हंसराज मीणा, और आप नोट कीजिए इस बार सिर्फ फार्मर्स के नहीं मजदूरों की, हमारी जो 10 मेन डिमांड है, पहली बार किसी किसान आंदोलन में तो उसमें मजदूरों की, नरेगा की बात की गई है, उसके मजदूरी की बात की गई है, और 5वीं अनुसूची जो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्राइबल्स की लैंड को प्रोटेक्ट करने की बात है वो की गई है। तो इसलिए हमारे सबके हैंडल ही दबा दिए आज हमारे, और मेरा हैंडल मैंने दूसरी बार बनाया, फिर शायद मैं इकलौता आदमी उसके तीनों ट्विटर हैंडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए हैं। तो अब मैंने इस बार जो नया ट्विटर हैंडल बनाया उसमें नींबू मिर्ची टांगा है मैंने, तो मैंने कहा शायद इस बार मेरा। तो आप समझिए एक आवाज को दबा दिया गया है और दूसरी तरफ एक आवाज को बुलंद किया जा रहा है, गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं। तो फिर आम जनता की गलती नहीं है, आप ये भी देखिए वो बेचारे मजबूर हैं, सुबह 8 बजे 7 बजे काम पर लगते हैं, 9 बजे आते हैं, उनको एक टीवी चैनल पे आके एक सुंदर महिला या एक भद्र पुरुष कहते हैं कि भैया ये देखो गंदे लोग हैं, ये तो मुफ्तखोर हैं, तो शायद उनकी अंदर से कोई हमारे प्रति ना हो विश्वास, पर रोज रोज सुन के वो बन जाता है। तो इसलिए ये अगेन कम्स टू द पॉलिसी थिंग, ये वर्ग को, शहरी वर्ग को, जो अर्बन मिडिल क्लास को हमारे खिलाफ किया जा रहा है, वे है नहीं ऐसे, वो अफसर हमारे खिलाफ है नहीं, उनको ऐसा बनाया जा रहा है। राइट राइट, भवेश जी आप कुछ कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल सर, आप देखिए 2020-21 का डेटा है कि कृषि ने 50% रोजगार दिया, ये 2021 की जब लॉकडाउन लगा था उस समय का डेटा है, कृषि ने सबसे ज्यादा आधा मतलब 50% रोजगार दिया था। सर किसान का बेटा किसी का ऑर्डर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर किसान ही अगर फायदे का धंधा होता ना तो किसान का बेटा ऑफिसों में जाके किसी की गुलामी करने के लिए उनके बहुत है ही नहीं, वो अपनी जिंदगी का खुद राजा है। मगर मजबूरी है, किसानी आज घाटे का सौदा हो गई है और इस वजह से आज किसान के बच्चों को नौकरियों के लिए शहरों में जाना पड़ रहा है और कोई कारण नहीं है। आप जब 2021 में जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, आप देखिए लोग शहरों की तरफ से गांव की तरफ भागे थे, कई लोगों ने गांव में आके फिर से पता कर लिया क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, वहां पे उनका बिजनेस खत्म हो गया, उनकी इनकम का आय कोई स्रोत जो भी, नौकरियां चली गई कई लोगों की, कहां किसने संभाला, किसान ही ने संभाला, किसान की जो मजदूरी करने वालों को वहां पे संभाला, वापिस गांव ने उसको पना दी। और फिर भी अगर गांव वालों से, अगर किसानों से अगर नफरत है इस देश की जनता को, तो उसको अपने आप में गिरेबान में सोचने की जरूरत है। अगर कोई मूवमेंट करता है उसको अभी पिछले मतलब 10-15 साल से एक प्रजाति नई इंडिया में पैदा हुई है कि 10-15 साल से किसी को भी सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, देशभक्त हो है ना, तुम नक्सलवादी हो, तुम उग्रवादी हो, तुम माओवादी हो, ये जो कल्चर है ना ये देश को तोड़ने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। इसी के ऊपर जब आप टैग लगाते हो ना तो
अब जब पंजाब और हरियाणा के किसानों को जब खालिस्तानी कहा गया ना, उनको सोचना चाहिए इसी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, इसी पंजाबियों ने हर आक्रांताओं का पहले सामना किया है। आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हो? आजादी की लड़ाई में 123 लोगों को फांसी लगी थी, उसमें से 93 बंदे पंजाबी सिख थे। आप उनको खालिस्तानी करो, उनको देशभक्ति सिखाओगे? ये जनता को सोचने की जरूरत है। आसान होता है किसी के ऊपर टैग लगाने का। आज यूरोप में सभी, यूरोप की सभी कंट्री में आज आंदोलन चल रहा है, क्या वो भी खालिस्तानी है? क्या वो भी माओवादी है? उत्तराखंड वालों ने, किसानों ने भू कानून को लेकर मूवमेंट किया, उनको माओवादी बोल दिया गया। ये कल्चर क्या है? और इसको प्रमोट करने वाले मेनस्ट्रीम मीडिया है ना, ऐसे ऐसे लोगों को आप प्रमोट करती है, ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू करती है। ये सर्वे का जो भी चलता है ना, वो कहां से आता है? हमें तो कई, आज तक कई इन लोगों, इन टीवी मीडिया वालों ने हमें तो रास्ते में रोका नहीं है कि हम ये सर्वे कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। अपने आप वो सर्वे बता देते कि 52% इसको पार्टी को वोट मिल रहा है, 53% इसको मिल रहा है, 60% इसको मिल रहा है, 40% यहाँ पे कौन सी सरकार बनेगी, ये नई सरकार बन रही है, क्या क्या खेल चल रहा है। जनता कभी किसी को तो देखा नहीं है इनका, वो क्या बोलते हैं कि जो भी ये सर्वे करते हैं वो है। और ये जिसकी मीडिया किसके लिए काम कर रही है, सरकार के लिए या जनता के लिए बैठी है? सरकार की चापलूसी करने के लिए ये मीडिया को सुनने, 8 घंटा या 9 घंटा सुनते हैं हम लोग? ये पॉलिटिशियन लोग, आज देश की सबसे बड़ी अगर समस्या है ना, तो दो लोग है, पी फॉर पॉलिटिशियन, एम फॉर मीडिया। अगर ये दोनों, अगर मीडिया अगर सुधर जाए ना, तो पॉलिटिशियन अपने आप लाइन में आ जाएंगे। मगर मीडिया यहाँ पे, गोदी मीडिया यहाँ पे बिका हुआ है और लोगों की आवाज सही जगह पे पहुंच नहीं रही। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपकी भावनाएं भी समझ सकता हूं, और मैं भी इस मीडिया में काफी क्लोजली काम किया हूं, काफी सालों तक काम किया। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि बहुत सारे लोग, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मजबूरी में किसान का बेटा किसानी कर रहा है, बाहर काम कर रहा है, तो बहुत सारे सच्चे लोग जो कि असली में स्टोरी और फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, बहुत बार नहीं कर पाते। मैं भी उसी मीडिया के, एक दूसरी बात, अजय जी आज मुझे मौका है तो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन खाली मैं नहीं हूं, मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जो बहुत ही जुझारू किस्म के हैं, और एक्चुअली में फैक्ट्स पे, चाहे वो सरकार कोई भी हो। आप देखिए कि कांग्रेस के समय में आदर्श घोटाले की बात आई, वो भी एक मीडिया के बंदे ने किया, आप समझ। तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा चीजों को देखिए। जैसे कहते हैं कि समय, समय सबसे बलवान होता है, समय चीजों सब चीज क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, मैं आपकी बात भी समझ सकता हूं, बस मैंने कहा कि थोड़ा सा बस ये समय का फेर होता है, लोग किस चक्र में फंस जाते हैं किस समय का, फिर उसके बाद असलियत में। लेकिन वही है कि अभी समय भी बदल रहा है और लोग भी अपनी बात रख रहे हैं और उनको भी समझ में आ रहा है, बाकी अभी देखते हैं। संतोष जी आप कहिए, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी, जैसे अभी दो चीजें बहुत किसान भाइयों को समझने की आवश्यकता है। एक तो एमएसपी के गारंटी कानून तक चले रहा है, इसके साथ में भी क्या हो रहा है कि नकली जो खाद बीज दवाइयां हैं, और दूसरा भी डंकन जो प्रस्ताव है, आप डंकन प्रस्ताव को बहुत अच्छे से देखोगे तो उसमें साफ इंडिकेट है कि पूरे भारत में 50 लाख टन जो है ना सीड की जो है ना डिमांड है, जो फार्मर की जो है ना, सारी जितनी सीड की देखें तो इतनी डिमांड है। और अभी उसमें से आप मोटा मोटी समझें को 10 लाख टन जो है ना, जो विदेशी कंपनियां बाहर की, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको ये दिखने लगा है कि जब से, जैसे अभी बताया भावेश जी ने, कि जो कोरोना काल के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ जो है ना रेट बढ़ा है, उस समय से इनका भी जो है ना ये दिमाग आने लगा कि डंकन प्रस्ताव के जो है ना वो भी किसानों के लिए फुटफुली नहीं है। क्योंकि वहां इतना बड़ा गैप है, जिस हिसाब से देख रहा है कि देसी बीज पूरा जो है ना 20 से 25 साल पहले गांव में हम लोग देखते थे कि देसी बीज मिलता था, लेकिन धीरे धीरे देसी बीज खत्म हो गया। दूसरा भी डंकन प्रास बोलो कि 10 लाख टन पे जो है अभी खड़े हैं, कि जो कि ओवरऑल देखो 20% है, 80% का गैप है। तो ये जो बहुमत जस्ती कंपनी है, जैसे अभी मस्टर्ड की बात कर रहा है, मस्टर्ड में देखो आप धीरे धीरे करके पूरा आपका
देसी बीज खत्म होता चला जा रहा, हाईटेक और हाई फार्मिंग वाली जो है ना वो आ गई है कि जो आप जो है ना हाइब्रिड वेराइटी आप ले आए तो उसका सीड जो है ना जर्मेशन दूसरे साल में नहीं होगा। तो इस पे भी बहुत बड़ा गैप है, आने वाले समय में ये इसको भी खत्म करने वाले हैं, जिससे कि एक तरफा जो है ना सीड पे ही आपकी मोनोपोली हो जाएगी, तो जो छोटा जो फार्मर है वो खेती भी नहीं कर पाएगा। दूसरा जो जिस हिसाब से भी बोला कि कंटेंट रहते हैं, जैसे डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट जो रहता है उसमें आपका रेशियो यदि देखे तो 18 और जो है ना 46 का रेशियो रहता है, तो इसमें जो है ना डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा हो रही है कि फार्मर जब प्रोडक्शन की बात करता है कि वो एक एकड़ में उसको लग रहा है कि मेरे को जो है ना इतना इतना डोजेज इसको देना है, लेकिन जब वो उतने डोज देता है तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी उसको आना चाहिए ना वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी है, किसान को समझना चाहिए कि डुप्लीकेट यदि है तो आपके खेत में खुद दिखेगा वो चीज जो आपको कॉन्टेक्ट दिया है कि भाई अपना गेहूं लगा रहा है तो उसमें आपको दे दिया कि डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट या फिर नाइट्रोजन आपको कितने क्वांटिटी देना है, जब वो उसको डाल रहा है बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो है ना क्या बोलते हैं साइंटिस्ट बता रहा है कितना मात्रा आपको डालना है, लेकिन डालने के बाद जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बात कर ले तो बहुत ज्यादा उसमें गैप आ रहा है। इस समझने की बात है कि प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर को प्रोडक्टिविटी को ध्यान देना पड़ेगा और सॉइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दो चीजों पर मिसिंग हो रही है, ये फार्मर को बिल्कुल इस पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ना पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो कैंसर एक्सप्रेस थी जहां हम लोग देखते थे बहुत कम लोग जो है ना थे, लेकिन आज की पोजीशन आप बहुत अच्छे समझते हैं कि आज जो है ना उसकी कैंसर की जो मात्रा एक पंजाब नहीं आसपास के बहुत सारे जो है ना मतलब स्टेट हो गई जहां बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती चली जा रही बीमारी। तो उसका मैंने वही बताया कि डुप्लीकेट जो है ना जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं वो इतने मतलब शरीर के लिए बिल्कुल घातक है कि जो हम लोग आने वाले समय में इस पर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राइट, तो अब सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्या है सॉल्यूशन? एमएसपी से अगर आज एमएसपी पे अग्रीमेंट हो गया, लागू हो गया, तो क्या समस्या हल हो जाएगी? फार्मर्स अमीर हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फार्मिंग बच जाएगी? आप ये बताइए मुझे क्या है, क्या लगता है इसमें और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अभी फिलहाल की बात करते हैं, जो WTO है वो एक नेशनल एक इंटरनेशनल जो अपनी पॉलिसी है उसके ऊपर है, वो अलग से आपको बात करनी पड़ेगी, पर अभी जो जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए क्या सॉल्यूशन है जो इमीडिएट अगर हम देखें तो? अजय जी, वेल बिगन इज हाफ डन, तो इसलिए एमएसपी का ये अगर गारंटी कानून घोषित होता है तो अगेन ये कोई पेनिशिया नहीं है, हर चीज का इलाज नहीं होगा, पर एक बहुत बड़ी बॉटलनेक जो है वो दूर हो जाएगी और किसान एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएगा। बहुत से लोगों को ये अभी भी भ्रांति है और जानबूझकर फैलाई जाती है कि अरे सरकार सबकी फसल कैसे खरीद सकती है, ये बहुत बड़ा झूठ है। एमएसपी कानून के अंदर हम कहीं भी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि सरकार हर किसान का हर दाना खरीदे, ऐसा ना तो हो सकता है ना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक फ्लोर प्राइस निर्धारित करे सरकार, जैसे आप 2400-2500 रुपए गेहूं का जो भी, लेकिन हमारा C2+50 स्वामीनाथन जी के हिसाब से करें तो आज 3400-3500 रुपए जो भी गेहूं का आएगा एमएसपी, वो सरकार को जितना अपना पीडीएस के लिए खरीदना है खरीदे, बाकी कोई भी कॉरपोरेट हो, लोकल आटा दाल मिल वाला हो, उससे खरीदे। तो उससे एक जो संपन्नता आएगी वो सिर्फ किसान, जैसे अपने संतोष जी भी बता रहे थे, वो सारा पैसा कोई जमीन में गाड़ के थोड़ी रखेगा किसान, वो अपने गांव से एक मोटरसाइकिल खरीदेगा, स्कूटर खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, अच्छा फ्रूट खाएगा। आप जानते हैं फूड में सबसे अच्छा आदमी अपग्रेड करता है, वो फ्रूट लेने जाता है, वो अगले ड्राई फ्रूट्स खाता है बेसिक खाने से। तो वो जब संपन्नता बढ़ेगी इट विल लीड टू ओवरऑल जनरेशन, ओवरऑल वेरी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इकोनॉमी, जिसका इकोनॉमी का बेस स्ट्रांग होगा वहां पर, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही एमएसपी मिलने लगेगी उसके बाद आपका सरकार का दूसरी चीजों पे खर्चा कम हो जाएगा। जहां जबरदस्ती एक मेल न्यूट्रिशन हो रही है, जहां जबरदस्ती बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकार को उनके लिए खर्चे करने पड़ रहे हैं, वो खर्चे सरकारों के कम होंगे। आज सरकारें कहने को डाल रही हैं चाइल्ड है जच्चा बच्चा स्कीम के अंदर, चाइल्ड हेल्थ के अंदर, अगर उनको अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छा पोषण मिलेगा, वो खाएंगे पिएंगे तो वो खर्चे सरकार के कम होंगे। बच्चे अगर अच्छे पढ़ेंगे तो आगे जाके सरकार को एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, वो एक एजुकेशनल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स का हिस्सा होंगे। तो ये एमएसपी सिर्फ एक बार रेट मिलने तक ही रिलेटेड नहीं है, ये एमएसपी बहुत चीजों का इलाज है। और इसके बाद फिर हम दूसरी बातें करेंगे। केरल सरकार अपने भावंतर स्कीम के अंदर वो ये
हर फ्रूट के ऊपर भी देती है, सब्जियों के ऊपर भी देती है, और फैंटास्टिक मॉडल है उनका, काम कर रहा है आज की डेट में। लोगों को समझना चाहिए केरल मॉडल क्या है। तो वहां पे शायद ही क्योंकि एजुकेशन अच्छी है, अगेन वी कम टू दैट सेम साइकिल, शायद पढ़ाई की लिटरेसी दर ज्यादा थी इसलिए शायद वो लोग ये लागू कर पाए हैं। तो हमने को ये समझना होगा MSP आएगी, सभी फसलों पर MSP आएगी, फिर धीरे धीरे वो MSP का दायरा, भाई आज दूध सबसे बड़ी मार है, दूध में आज हर कोई जानता है, शहर का आदमी सबसे गंदा दूध पी रहा है, सबसे मार इसमें शहर के ऊपर पड़ रही है, चाहे आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लें वो जहर पी रहा है इस टाइम। क्यों? किसान को आप असली दूध का पैसा तो दोगे नहीं, तो वो नकली ही दूध मिक्स होके जाएगा, पहुंचेगा कोई उसको मिलावट करके बेचेगा। तो जब उसको दूध को MSP के अंदर लाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको पोल्ट्री को MSP के अंदर, फिशरी को MSP के अंदर लाना पड़ेगा, वेयर द गवर्नमेंट जस्ट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर एंड अ मॉडरेटर टू सी नोबडी बाइज बिलो MSP, द प्राइवेट विल बाय इट एट दैट लेवल। दूसरी बात है क्राइसिल की, अभी रेटिंग की एक क्राइसिल एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि सरकार को सिर्फ टाइम टू टाइम सिर्फ इंटरफेयर करना होगा, ये MSP विल बिकम एन इंटरफेयरिंग टूल। कहीं रेट कम हो रहा है, सरकार इंटरफेयर करती है, थोड़ा माल उठाती है, वो रेट बैलेंस हो जाएगा। एंड हम तो फिर भी 40-50 हजार करोड़ बोलते हैं सरकार का कभी खर्चा आएगा, क्राइसिल हैज पुट दैट फिगर टू 21,000 करोड़। सिर्फ 21,000 रुपए की कहानी है सारी की सारी, जिसपे इतना बड़ा एक हवा क्रिएट करा गया है देश का, इतने सोशल फैब्रिक के अंदर फिशर्स ला दिए गए हैं, इतना बंटवारा हो गया है मनों के अंदर, जैसे भावेश भाई बता रहे हैं क्या क्या तमगे दिए जाते हैं हम सबको, उन सबको पीछे जुटाने में, उन सबको हटाने में भी MSP ही कारगर होगा। तो ये MSP सिर्फ एक फसल का रेट नहीं है, ये एक शुरुआत होगी जो कई सोशल प्रॉब्लम्स को, कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, कई माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स को, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए अजय जी, आप इतने बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं, आपका एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपने देखा इतिहास में शहर ही तबाह हुए हैं। हम जाते हैं कहीं सीरिया का शहर देखने, साहब ये बहुत बड़ा शहर था, इसका पटाखा बज गया, सूरत का पटाखा भी करीब करीब बज ही गया था, फिर बचते क्या है, गांव की सभ्यताएं ही बचती हैं। तो अगर वो गांव का संपन्न आदमी संपन्नता होकर गांव में ही रुक जाएगा तो शहर भी बचेंगे। आज कौन सा शहर है जो कि और 20 लाख 50 लाख आदमी लेने की काबिलियत रखता है? दिल्ली की तो हालत खराब हो चुकी है, बॉम्बे इट इज बर्स्टिंग एट इट्स सीम टुडे, तो कहां जाएंगे लोग? तो ये MSP एक बहुत तरीके से कारगर यंत्र है जो कि सिर्फ फसल तक निर्भर नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदलेगा। राइट। तो आपकी बात से तो यही लग रहा है कि 21,000 करोड़ अगर क्रिसिल की बात है तो आपको 2 नीरव मोदी को रोकना होगा, 4 मालिया को रोकना होगा, तो आपके पैसे बन देने के लिए हो जाएंगे। बस वही तो रोकना होगा और वही रुकेंगे नहीं, तो हमें तो डर ही है कि किसी हम जैसे को रोकने से काम चलता तो शायद रोक लेती, पर अगर मलाया और नीरव मोदी, और आज देखिए आज इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स की बात आई और एक पर्टिकुलर कंपनी विशेष के शेयर ऐसे औंधे मुंह नीचे गिरे हैं कि जैसे कल चोर पकड़ा जाएगा, हो सकता है ना पकड़ा जाए, पर डर देखिए, इसका मतलब देश का आम नागरिक जानता है कि राक्षस की जान किस तोते में है और उस तोते के ऊपर पहले लोगों का सट्टा लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल आप पकड़िए, तो 21,000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। राइट, भवेश जी। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर MSP मिलता है तो सबसे पहले जो काम होगा वो, मैंने अभी एक डेटा दिया 2021 का लॉकडाउन के समय कि उसमें 50% रोजगार कृषि ने दिया था, तो सब 50% जो है ना सॉल्यूशन, तो वो आपका रोजगार को लेके हो जाएगा कि आज जो युवा बेरोजगार की मार से जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, तो पहले तो उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। दूसरा, माइग्रेशन बंद हो जाएगा, शहरों की तरफ जो जाना वो कम रहेगा, है ना। तीसरा जो है, किसानी के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनकी राजनीति बंद हो जाएगी, और ये राजनीति बंद नहीं करना चाहते हैं। आप 75 साल से देख लीजिए, किसानी पे राजनीति होती रही है, मजदूरों पे राजनीति होती रही है, अमीरों पे राजनीति होती रही है, गरीबों पे राजनीति होती रही है ना। फिर बाकी जो आता है नया जो कॉन्सेप्ट आया है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, है ना। फिर ये जातिगत वो रिजर्वेशन के नाम पे राजनीति होती है। हमारे पास मुद्दा क्या है? यही तो है राजनीति का, कहो तो हम डेवलपमेंट विकास के बड़े बड़े नारे दे देते हैं, है ना, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, होता क्या है रियल में? असेंबल करने को क्या मेक इन इंडिया बोलोगे? तो सबसे बड़ा जो है फायदा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आधी समस्याएं सॉर्ट आउट होगी, है ना। कई लोग ये भी बोलते हैं
किसान इनकम टैक्स नहीं देते हैं भाई, हमारा इनकम टैक्स के पैसे से इनको क्यों देना। अरे भाई किसान ऐसी कोई ऐसी पेड़ नहीं कर, हम ऐसी सुबिन से लेके ऐसी एक चीज बताओ किसान की लाइफ में कि वो बिना जीएसटी पे किए हुए एक भी चीज ऐसे यूज करता हो, तो क्या हम जीएसटी नहीं दे रहे हैं वो टैक्स? अब ये इनकम टैक्स की बात, तो भाई इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 7.5 लाख तो इनकम टैक्स फ्री है, देना ही नहीं है। चलो भाई ले लो, फायदे में तो आए हम, हमें हम भरने के लिए तैयार है। हम 7.5 लाख रुपये से ऊपर हम कमाई तो करें पहले, हम इनकम टैक्स देने के लिए भी तैयार है। इवन मैं अखिल भारतीय किसान सेना का जब प्रेसिडेंट था तब मैंने 2017 में गुजरात सरकार से एक डिमांड की थी कि जो बड़े किसान उनके ऊपर इनकम टैक्स डालिए और जो उनका टैक्स आता है उसका बेनिफिट आप छोटे किसानों को दीजिए, वो पैसा कहीं और नहीं जाना चाहिए। 2016 में गुजरात सरकार को मैंने ये आवेदन दिया था, डालिए इनकम टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़े किसानों को डालिए, पहले इनकम तो हो, हम इनकम देने के लिए भी तैयार है टैक्स देने के लिए। अब घाटे का सौदा हो रही है इसीलिए तो खेती बेच के वो जा रहे हैं, हम क्यों गुलामी करने के लिए जा रहे हैं शहरों में नौकरी करने के लिए? एक कहावत होती थी पहले उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी, आज उल्टा हो गया है, नौकरी कम हो गई है, मध्यम व्यापार हो गया और नीच खेती हो गई है, और इसीलिए किसान जो है परेशान है। और अब जो सवाल आया है ना हमारी नस्ल और फसल बर्बाद करने पे, ये जो सवाल खड़ा हुआ है, तो हम अपनी नस्ल और फसल दोनों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, और इस नस्ल और फसल की लड़ाई में हमने बहुत कुर्बानियां सदियों से दी है और इस बार भी देने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है कि चलो कॉम्प्रोमाइज किया आपने, खरीद लिया, 5 नेताओं का सरकार बन गई। ये किसान के बेटे हैं, इस धरती पे इसका पहला इस मिट्टी पे हक है, तो इन किसानों का हक है, इन मजदूरों का हक है, उन खून पसीने से सींची है इस जमीन को, तो ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी ना। 75 साल से आप लोगों ने वादे किए, आपने ही बोला आप अपना वादा कर रहे हो, आपकी बातों को लेके हम मैदान में आ रहे हैं तो आप रोक रहे हो, आप बता रहे हो कि खाली पंजाब हरियाणा, क्यों भाई झूठ झूठ का प्रचार कर रहे हो? आने दो किसान को बाहर से, क्यों ट्रेनों में रोक रहे हो, क्यों बसों में रोक रहे हो, आने दो उनको दिल्ली तक। तो झूठा नैरेटिव जो है वो बंद होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए वास्तविकता क्या है, और किसान जिंदा रहेगा, किसानी जिंदा रहेगी तो आपकी थाली की रोटी शुद्ध और अच्छी मिलेगी, नहीं तो वही केमिकल वाला फूड और वही बग्स लेबोरेटरी में बना हुआ कीड़े मकोड़े खाने के लिए तैयार रहो, ये शुरू हो चुका है। शायद भारत के लोगों को, भारत की जनता को पता नहीं है, मगर आप गूगल कीजिए, लेबोरेटरी में बना हुआ मीट खाने में आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं, उसके पाउडर प्रोटीन पाउडर डाले जा रहे हैं, ये सब चीजें यूरोप और वहां की कंट्री में शुरू हो चुकी है। क्या आप भी अपने बच्चों को ये देने के लिए तैयार हो? राइट भवेश जी, आपको जनता को तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये जेन्युइन बात है, लैब मीट और ये सारी चीजें हैं और ये काफी डिस्कशन की चीजें हैं, फ्यूचर में हम बिल्कुल इस पे अलग से और बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स द रियलिटी विच इज कमिंग अप। और इसीलिए कहा कि ये जो समस्या एक तो होती है कि इमीडिएट प्रॉब्लम, उसको कैसे हल करें, और उसके बाद जो है बड़ी चीजों के बारे में हम सोचें। तो इमीडिएट लेवल पे आपके हिसाब से क्या है, एमएसपी या और भी कुछ इमीडिएट लेवल पे आने से ठीक रहेगा? संतोष जी, इसमें मैं यही बोलूंगा सरकार को पॉजिटिव वेव में बाहर आना पड़ेगा, जो मैंने बोला पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी मेकरों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो उद्योगपतियों के दबाव में जो है ना पॉलिसी नहीं बनती, और एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा जो है ना इनको विश्वास में लाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाओगे तभी तो वो गाँव तक जाएगा, और गाँव की पॉलिसी आप यदि एसी में बैठ के बनाओगे तो ठीक है ना, वहाँ की पॉलिसी क्या बनेगी, गांव के बीच में जाइए, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कत है। आज मैंने बोला सॉइल हेल्थ के बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है सॉइल हेल्थ भी ठीक नहीं है, जैसे हमारी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर खा ही नहीं पाऊंगा और मैं कितने दिन तक जीना दे रहा हूँ, तो बेसिक सॉइल हेल्थ को हमको बहुत, आज सॉइल हेल्थ तो बन गई बहुत सारी, लेकिन लेबोरेटरी बनी हुई है, आज देखो लेबोरेटरी सारी बंद पड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा जो है ना उनको बिल्डअप करने की आवश्यकता है, सरकार को पॉजिटिव वे में
एग्रीकल्चर सेक्टर को और उद्योगपति जो है ना वो उनको थोड़ा सा उनसे हटना पड़ेगा सरकार को। अभी का सरकार जो पॉलिसी बना रही है ना उद्योगपतियों के दम पे बना रही है, सर नहीं हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे, इनको तो जो है ना मजदूर बनाइए इनसे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा कुछ करके देंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो उनकी ये सोच है कि जो दूसरे देश में कॉपरेटिव फार्मिंग होती है बहुत बड़े बड़े स्केल पे, तो वो यदि आप करोगे तो फिर एमएसपी क्या, अभी हम बोल रहे हैं कि 17-18% आप एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, बाकी तो जो आपकी अभी दाल तुअर की जो बात हम कर रहे हैं गुरजीत सिंह जी बोला है, तो इन चीजों पर तो फोकस कहाँ रहेगा। जैसे अभी आप लेके आके आप एक चाइना वाला जो मॉडल लेके आए कि आप जो है एफपीओ फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइज है, लेकिन आज 3 साल हो गए उसको, कहाँ है वो, उन पे फोकस करना पड़ेगा। जो आप जो स्कीम लेके आए बहुत अच्छी स्कीम है, मानते हैं उसको, लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन तो करिए। चाइना में है कि भाई आप अभी फार्मर वाह अभी भिंडी की खेती कर रहा है एक और एक टमाटर की खेती कर रहा है, तो भिंडी वाला टमाटर नहीं लगाएगा। तो जो अभी जो भ्रमति यही फैले जा रही है कि यदि एमएसपी देंगे तो जो गेहूं आपका जो है ना 2700 रुपए मिल रहा है वो 4000 रुपए में मिलेगा, जो चना चने की दाल हमको जो है ना 50 रुपए मिलेगी 100 रुपए में मिलेगी, इतनी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो है ना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी ना तो दाम तो ऑटोमेटिक कम होंगे एमएसपी से, इससे कोई वो मतलब दोनों को मिक्स करा जा रहा है, मतलब ये भ्रम करा जा रहा है कि इससे ऐसा इनको करा जाए कि 17000 करोड़ लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं, वो बोल रहा हूँ कि हम देखें तो जो उद्योगपति हैं उनका कैसे राइट अप और बेबअप आप जो है ना इतनी बड़ी जो है ना अमाउंट में आप कर रहे हैं, 14000 करोड़ रुपए आपने बेबअप कर दी, तो कहां अभी बताया गुरु जी ने 2 लाख करोड़ के आसपास में आपका खर्चा नहीं आ रहा, तो उससे ज्यादा तो इकोनॉमिक आपकी डेवलप होगी। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस जो पॉलिसी मेकर है उनको आप फ्री हैंड करिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा और बड़ा करिए और उनसे बोलिए कि जाए वो गाँव में किसानों के बीच में रहे, वहां बैठ के आप पॉलिसी उनके बीच में नहीं रहेंगे तो कैसे समझेंगे किसान के दुख दर्द को। लेकिन उद्योगपति चाहते नहीं है ना कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा करें, और एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा हुआ तो उद्योगपतियों के जो मनसी है कि जो किसान की जमीन जो है ना हड़प लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है ना उद्योगपतियों के दबाव में है, हमारा कहने का मतलब है कि आप बाहर निकलिए, सोच थोड़ी सी बढ़ाइए, फार्मर उससे ज्यादा प्रोडक्शन करके आपको देगा, क्योंकि वो आज से खेती थोड़ी कर रहा है, आप थोड़ा विश्वास जताइए उस पर, और 100% ये चीज हो सकती है, इतना कोई बड़ा नहीं है। पहले भी क्या 30-40 साल पहले भी हम लोग कर रहे थे और काफी अच्छा काम होगा, तो आप 1970 में आप देखो अभी जो है ना हरित क्रांति आई ना, तो कौन लेके आया, फार्मर ही लेके आए थे उस समय, कहा उद्योगपति वगैरह थे। आप उनको वो फैसिलिटीज जो है ना उनको चाहिए, अच्छा सीड दीजिए उनको, अच्छी केमिकल दवाइयां वो दीजिए और सॉइल हेल्थ को बारे में सोचिए, तो उससे एक ही चीज नहीं होगी, फार्मर को भी जो इनकम जनरेट के साथ में कहीं ना कहीं जो हमारे जो उपभोक्ता उनको भी फायदा होगा। हम तो बोल रहा है कि एमएसपी के साथ में आप जो है ना एमआरपी भी डिसाइड करिए कि जो बीज का जो बिचौलिया है ना उसका भी, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि अभी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गेहूं की बात कर रहे हैं या फिर लेसन, देखिए लेसन कहां क्यों वहां ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन फार्मर को तो वो 10 या 12 रुपए मिला हुआ है, आप 200 रुपए जो है ना वो बेच रहा है, तो बिचौलिया जो है ना इसके बीच में आप पॉलिसी बनाइए ना, एमएसपी गारंटी कानून के साथ में एमआरपी भी बनाइए, किससे ऊपर नहीं जाएगा इसका रेट, तो उस पर जो है ना कस्टमर को कहां से लॉसेज होना, बिल्कुल नहीं होना। बट यही है कहने का मतलब सरकार को पॉजिटिविटी में लेना पड़ेगा और पॉलिसी जो बनेगी वो गांव खेत खलियान में बैठ के बनना चाहिए। राइट राइट आखिरी सवाल करते एक बात अजय जी, हाँ अजय जी एक बात मैं और बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में किसानों ने प्याज सड़कों पे फेंके, दूसरे स्टेट में 30-40 रुपये 50 रुपये केजी प्याज बिक रहा है, एक जगह पे उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, दूसरे स्टेट में 50 रुपये केजी बिक रहा है, ये असमानता जो है ना दूसरे स्टेट में, ये क्यों है, क्या एक स्टेट दूसरे स्टेट के पास जो जरूरत है वो क्या है, वो खुद एमओयू नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, और ये काम तो सरकार का है ना, तो इन लोगों को देखिए सरकार की मंशा नहीं है कि किसान ऊपर आए, ये हमेशा से राजनीति बननी रहनी चाहिए, है ना, हाथ जोड़ के खड़े रहो उनके सामने भीख मांगने के लिए, बस यही चाहते हैं ये लोग। 3% अगर एक सरकारी कर्मचारी को बैठे बैठे जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको अगर महंगाई जो फिक्स सैलरी ले रहा है उसकी अगर महंगाई भत्ता हर साल 5% बढ़ता है तो किसानों को नहीं बढ़ रहा है क्या, तो उसके लिए 3 साल के बाद क्यों वो एमएसपी तय करना, फिर से 3 साल तक का जो डिफरेंस हुआ वो कहां जाएगा, तो इसको पैरेलल जो महंगाई भत्ता हर साल जो बढ़ाते हैं सरकार, वही बेनिफिट एमएसपी के ऊपर सीधी सीधी लागू होनी चाहिए, अगर 3% बढ़ा तो 3% एमएसपी भी बढ़ा दो, है ना, बार बार आंदोलन करने की जरूरत ही ना रहे,
हम पैरेलल इकोनॉमी के साथ ग्रो करेंगे। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस देश की जो जनता है वो जाग जाए और कहीं सड़कों पे ना उतर आए, क्योंकि आज हालत बहुत खस्ता है लोगों की, हर कोई परेशान है, चाहे युवा ले लो चाहे ओपीएस वाले लोग इन नेताओं को चुनके भेजते हैं, वो अपना पेंशन चालू कर लेते हैं, अपनी सैलरी चालू कर लेते हैं, मगर लोगों का पेंशन बंद कर देते हैं, लोगों की सैलरी बंद कर देते हैं, अपने बेनिफिट बढ़ाते हैं, अपनी जरूरत की जो भी चीजें है उसके बेनिफिट लेते रहते हैं, मगर जो जनता को चाहिए उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा भाई, ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है भाई, मेरे को ये समझ नहीं, ये लोकतंत्र है क्या, ये प्रजातंत्र है या राजतंत्र चल रहा है? किसानों को मजबूर मत करो कि इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, सरकार को इसको बहुत सही शांतिपूर्वक तरीके से किसानों के साथ बैठ के और इसका सॉल्यूशन लाने की जरूरत है, जितना हो सके जल्दी लेके आइए, उतना इस देश के हित में है। राइट राइट, काफी हम लोगों ने अच्छा डिस्कशन कर लिया, और भी टॉपिक्स हैं, बाद में भी और बात कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये समझना चाहता हूं आप लोगों से कि ये समस्या पॉलिटिकल सिस्टम का है, पॉलिटी का है, पॉलिसी फ्रेमवर्क का है, और जब तक चाहे एक सरकार आए दूसरी सरकार आए, समस्या काफी पहले से है, माइंडसेट की है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको आज एमएसपी पे आपकी डिमांड्स मान ली जाती है या और भी कुछ कर जाता है, लेकिन यहां पे लग रहा है कि समस्या थोड़ा इंटेंशन की है कि किसी और को कुछ चाहिए, फार्मिंग चाहिए, फार्मर्स नहीं, अगर वो मेंटालिटी है तो उसके लिए आप लोगों के दिमाग में ये आज की लड़ाई नहीं है, फिर तो ये लड़ाई और थोड़ी सी लंबी जाएगी, उसको आप लोग कैसे देखते हैं, उसके लिए आप लोग कैसे तैयार हैं, कैसे तैयारी करेंगे आने वाले दिनों में? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये एक सरकार की बात है, सरकारें आएंगी जाएंगी, एक सरकार बहुत दिन तक रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, लेकिन समस्या यहां पॉलिटी की है, पॉलिसी की है, पॉलिटिशियंस की है, माइंडसेट की है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? इस बार शुरुआत भवेश जी आप ही करते हैं। भवेश जी माइक। जी सॉरी जी, थैंक यू अजय जी। देखिए, यूरोप के किसानों ने कार्बन फुटप्रिंट का टैक्स मांगा था, उसके लिए कोई डिमांड की थी किसी किसानों ने? नहीं। ठीक है, क्या भारत के किसानों ने फार्म बिल को डिमांड की थी कभी हिस्ट्री में? नहीं। तो फिर किसके कहने पे लाए गए बिल, इसके पीछे कौन बेनिफिशियरी है? हम जो मांग रहे हैं वो आप दे नहीं रहे हो, और जो आप दे रहे हो वो किसके इशारों पे दे रहे हो, किसके बेनिफिट के लिए दे रहे हो? आज पूरे पूरे वर्ल्ड का किसान, पूरी दुनिया का किसान सड़कों पे है, ये अलग बात है कि मीडिया नहीं दिखा रही है, मगर वास्तविक ये है कि पूरे यूरोप के किसानों ने पूरे रोड जाम करके रखे हैं, वहां उनकी जनता उनके साथ है, वहां उनकी जनता खालिस्तानी नहीं बोलती है, टेररिस्ट नहीं बोलती है, वो लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, नो फूड, नो फार्मर्स, नो फूड। और इंडिया की जनता क्या कर रही है, ये जनता को सोचने की जरूरत है आज की डेट में। मैंने पहले ही कहा कि ये एंड यूजर का आंदोलन होना चाहिए था, मगर ये किसान निकले हैं, हर बार आपके किसान के बच्चे आगे आते हैं, चाहे वो सरहद की लड़ाई हो या अंदरूनी लड़ाई हो, हमेशा आवाज गांव से ही उठती है, किसान के बच्चे ही उठाते हैं। तो आपका खाली इतना फर्ज है कि इस लड़ाई में आप साथ दीजिए किसानों का। हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी, मगर ये जो बिल ला रहे हैं किसके इशारों पे और किसके कौन बेनिफिशियरी है, है ना, मोदी जी का ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये कौन सा एजेंडा 2030 की बात कर रहे हैं, कौन से रिसेट की बात कर रहे हैं? 5-6 बार तो नाम ले चुके हैं, मुझे अभी तक उनका विजन समझ में नहीं आ रहा है, और ना विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर सवाल कर रही है कि मोदी जी का हर चीज पे, मोदी जी के हर बात पे वो काउंटर तो करती है विपक्षी पार्टियां, मगर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एजेंडा 2030 पे और रिसेट पे ये एक विपक्षी पार्टियां क्यों चुप है?
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रिसेट करने जा रहे हो भाई। आपका एजेंडा 2030 का है क्या? कोई खुल के तो बताओ कि हम ये करना चाहते हैं, हम नहीं मांग रहे वो आप दे रहे हो। और किसके इशारों पे ये सब चीजें हो रही है? राइट भवेश जी, संतोष जी आपके विचार इस पे। मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से जो पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, आज किसान आंदोलन क्यों कर रहा है उसके पीछे कि वो समझ चुका है। मैंने बोला कि 2020 के बाद में, इसके पहले भी ये देख रहे हैं आंदोलन बहुत हुए, लेकिन 2020 के बाद से जो किसानों को एक अब एक बूम मिला है, उनको एक लगा के लड़ सकते हैं अपन लोग, और ये समझ चुकी सरकार भी जानती है और उद्योगपति भी समझ चुके हैं यार, ये जमीन जो है ना, इसमें उनको सबको दिख रहा है कि बोलते कि सोना, ये वाकई में सोना है। और इस सोने को उनको लग रहा है कि 80% जो फार्मर है इसको दाम नहीं मिलेंगे तो छोड़ देगा, ये सोना हमारा हो जाएगा। तो उद्योगपतियों की दबाव इतना ज्यादा है, आप उनसे भार, क्योंकि पॉलिसी ऐसी आप बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता। आज आप गांव में आप उसको इतना स्थितियां ये है कि वो 27 रुपए में क्या अपना घर पे, आप घर पे जाएंगे तो खाने की बात कर रहा बेचारे का, रोटियां जो है ना, मैंने तो देखा आपका जो है ना नमक और मिर्ची से रोटियां लगा के किसान खा रहा है, स्थितियां वो हो गई हैं। और आज यदि आंदोलन के, और मध्य प्रदेश में भी 15-20 दिन के अंदर में आपने कितना क्या कर दिया, किसान को निकलने नहीं दे रहे आप बाहर। आप सारे जितने लोग किसान गैर राज्य देखे उनके आपने घर पे पुलिस पे पैरा बैठा रखा हुआ है। अब पता नहीं चाहते क्या है, वो क्या मांग रहे हैं, आप उनको एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो, उससे उनका भी साथ होगा और ये उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें उद्योग के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप किसान को ही, ये किसान कौम को क्यों खत्म करना चाहते हैं, जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, उसको क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये प्लानिंग क्यों ऐसी प्लानिंग कर रहा है? और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है इसके पीछे। लेकिन किसान है, गांव गांव का किसान, मैंने क्या बोला है कि 2020 के बाद में किसान समझ चुका है, और आज स्थिति है कि गांव में जो है ना, जो एमपी एमपी को घुसने नहीं दे रहे, उनसे बोल रहा है एमएसपी पे गारंटी का नहीं लाओ, नहीं जाओ, हम समझ चुके अब हमारी जमीन हम नहीं बिकने देंगे। तो ये आंदोलन वो पहले वाला जो किसान नहीं रहा, जो 21वीं सदी वाला किसान है, युवा समझ चुका है कि लड़ेंगे नहीं तो ये जमीन नहीं बचने वाली, ये समझ चुका है किसान। तो आज आप जिस हिसाब से जो दिख रहा है ना, वो सब समझ रहा है इन चीजों को, तो गांव गांव से आवाज उठ रही है अभी। ठीक है, आप एक एक सोशल मीडिया पे जो है ना, आप ट्विटर को दबा सकते हो, लेकिन आज जो है ना, आप फेसबुक हो गया, फेसबुक पे लोग कहीं ना कहीं जो है ना, ठीक है चैनल पर नहीं दिखा रहा, लेकिन हर जो है ना ग्रुप हर अपने हिसाब से काम कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी जाती है तो वो नीचे ले तक जाती है, हर संगठन अपने हिसाब से काम करता है। आज संगठन की बात करें, हमारे संगठन एक मैसेज यदि सेंटर का जाता है ना, तो ग्रुप कम से कम 250 ग्रुप है। आप ठीक है ट्विटर को बंद कर सकते हो, लेकिन जो है ना, आप व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज जब नीचे तक 5 मिनट में नीचे तक पहुंचता है। तो किसान ये चीज समझ चुका और देखने लगा है। अभी 3 दिन थोड़ा आंदोलन ऐसे डाउन हुआ कि क्या हो गया साहब, लेकिन स्ट्रेटजी प्लानिंग हमने यही बोला कि हमारा सरकार से कोई हमारा विरोध नहीं है, हम ना सरकार से कोई टकरा सकता ना आज तक कोई टकराया, लेकिन किसान का जो हक है, हक मांगना, किसान समझ चुका है कि एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है। तो एक एक गांव में चर्चा करने लगा किसान। पहले समाज, आज से 2 साल पहले किसान को पता नहीं था कि एमएसपी गारंटी कानून क्या है, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ा, लोगों ने, हम लोगों संगठनों ने काम करा, किसान जब जा रहा है मंडी में उसका जो रेट नहीं मिल रहा है, तो यार बाकी में यार किसान संगठन सही बोल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है, ये समझ रहे हैं सारी सरकार है। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी सरकारों ने करा और आगे भी ये चलती रहेगी सरकार। लेकिन किसान को यदि बचना है, किसान को बचाना है, तो किसान को खुद आके अपने गांव और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और वो लड़ने लगा है। अब गांव में जो है ना, हर एक एक महीने के अंदर मीटिंग करने लगा है कि हमारे एजेंडे क्या है, हमारे गांव के एजेंडे बनाना चालू कर दिए। तो समझने लगा है किसान इन चीजों को, अभी डरने वाला नहीं है किसान। सरकार कितना ही कुछ कर ले, लेकिन परिवर्तन आ गया है, और ये परिवर्तन की जो लहर है ना, एक जन क्रांति लहर में मतलब परिवर्तन हो गई, ये दिख रहा है सरकार को भी कि यार ये करना ही पड़ेगा इस पे कुछ, क्योंकि वो हक और अधिकार ही मांग रहा है, वो लड़ना नहीं चाहता। तो मेरा यही मानना है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर उनसे बोलो कि जाओ भाई इनसे एक बार समझो और इनके हिसाब से एक बार पॉलिसी बनाओ ना। विदेश की पॉलिसी कब तक आप देश में लेके आओगे?
क्योंकि दूसरे देश में भी आप देखो, आज भारत में देखो 41 मिनट के अंदर में एक फार्मर जो है ना आज भी सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको दाम ही नहीं दे रहे ना आप, ये डेटा है। राइट राइट, गुरप्रीत जी आपके विचार। देखिए बीच में बात चली WTO की और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्राइवेट क्लब है, वो किसी सरकारी संस्थाओं से अप्रूव नहीं है, कुछ नहीं है। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बिजनेसमैनों के, हर देश के प्राइम मिनिस्टर बिजनेसमैनों के और इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप्स को लेके जाता है, वहाँ बंद कमरों में मीटिंगें होती हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो क्लॉस श्वाब है वो खुल के डिक्लेयर करता है एजेंडा 2030 के अंदर कि भाई यू विल नॉट ओन एनीथिंग येट यू विल बी हैप्पी। तो ये ओनरशिप जो छीन रहे हैं, जो स्वामित्व छीन रहे हैं इंसान का, ये आज अमेरिका में हाउसिंग की ये स्थिति हो गई है कि फ्लैट इतने महंगे हो गए हैं कि खरीदना अब उनकी उनकी रेंज से बाहर हो चुका है। तो अब ये एक बड़ी एक एक्सेप्टेड सी बात है कि चलो अब हम किराए पे ही रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी ओनरशिप छोड़ के सारे लोगों को अपनी संपत्ति में शामिल कर लेंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे वो लोग? बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि हर तरह की संपत्ति सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड होगी, जिसको पे एज यू यूज वाली, एज अ सब्सक्रिप्शन, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन आ गया है आजकल, वैसे ही हाउसिंग एज अ सब्सक्रिप्शन, खेती बाड़ी एज अ सब्सक्रिप्शन मिलेगा और हर किसी को मैनेज वो लोग करेंगे, कंट्रोल उनका रहेगा। देखिए जो मालिक मकान मालिक है, कंट्रोल मकान मालिक करता है आपको। अच्छा। तो उसी तरह किराएदारी रहोगे, खेती किसानी को भी यही कह के किया जा रहा है कि आप किराएदार रहोगे, मजदूरी आपसे उसी खेत पे करवाएंगे, ये उसी फैक्ट्री में करवाएंगे। लेकिन अब स्थिति जैसे साइंस में बताते हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और फिर ब्रिटलनेस, आप एक रबर बैंड को खींचेंगे कुछ देर चलेगा, फिर एक लेवल ढीला हो जाएगा, उसके बाद वो टूटेगा। अब ये स्थिति किसी को अच्छी नहीं लगती है, दिस इज नॉट द पॉलिटिकल करेक्ट वे टू से इट, बट सरकार हारेगी। हम ये आंदोलन पिछला भी जीते थे, हम ये आंदोलन अब भी जीतेंगे। ये गलत फहमियां निकाल देनी चाहिए। अब इसको मैं गाली गलौज करके ऊंची आवाज से भी बोल सकता हूं, लेकिन बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले किसान आंदोलन में भी जो पीएमओ के बाबू लोग थे वो गए, देखिए साहब कोविड लगा हुआ है, हमने धारा 144 नाम की चीज होती है, इसमें चार आदमी सड़क पे नहीं आ सकते, तो चलो ये कर देते हैं और किसान कानून पास करते हैं। और फिर जब वहां पे लाखों लोग निकल के आ गए तो कौन सी धारा 144 और कौन से किसान को रोक किस चीज से रहे हैं? मिट्टी से और पानी से, जिसमें वो सारा दिन 24 घंटे मिट्टी पानी होता है उससे किसान को रोक रहे हैं। तो ये कि सरकार को गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वो किसान से किसी तरह भी जीत सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, देयर इज नो पेजेंट एंड फार्मर मूवमेंट व्हिच हैज एवर फेल्ड इन द वर्ल्ड, ये एक तथ्य है। साल लगता है, दो साल लगता है, हम तो 75 सालों से लड़ते आए हैं और आज भी गांव में साहब एक कहावत कही जाती है, बट की लड़ाई, जो दो खेतों के बीच में एक बट होती है, बाउंड्री होती है, उसके लिए कत्ल होते हैं। और यहाँ तो आप पूरा खेत लेने की बात कर रहे हो, जहाँ 125 किसान एक दिन के अंदर मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो फिर एक शहीदी, दो शहीदी, मार्टिरडम्स डू नॉट मेक अ डिफरेंस, द गवर्नमेंट नो दिस। ये पीएमओ के बाबुओं को और सरकारी अफसरों को समझना चाहिए। हाँ, कितने लोग मरवा कर वो बात देना चाहते हैं वो उनकी एक चॉइस है, कितनी शहीदियां लेना चाहते हैं, कितने हमारे सर लेना चाहते हैं, अलग बात है। किसान इस आंदोलन को जीतेंगे क्योंकि हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, उनके लिए अडानी को फायदा देना है, अंबानी को फायदा देना एक स्वार्थ है, लेकिन जब स्वार्थ की लड़ाई आती है और एग्जिस्टेंस की लड़ाई आती है तो आप यकीन मानिए, कभी भी देख लीजिए इतिहास उठाकर, एग्जिस्टेंस की लड़ाई हमेशा जीतती है। तो ये लड़ाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है, WTO से है, ये जो इतने मेगा हाईवेज निकल रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये अजय जी आप मेरा इंटरव्यू यहाँ बैठ के ले रहे हैं, मेरे को आपके पास आने और आपको मेरे आने के लिए नहीं बन रहे हैं, ये स्मूथ लॉजिस्टिक्स जो है, ये सारे हाईवे घूम फिर के गुजरात गुजरात से पंजाब में क्यों आ रहे हैं? ऐसी इतनी कौन सी बड़ी मार्केट हो गई है पंजाब? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के परले तरफ जो नया रोड नेटवर्क बन गया है, जिसके बीच में चाइना ने अपना टोल लगा दिया है CPEC में, वे जानते हैं कि 15 दिनों में रेडी फ्रेश प्रोड्यूस यहां से कॉरपोरेट बना बना कर बेचेगा और वो लंदन के वेयरहाउस में जाके उतरेगी रेफ्रिजरेटेड चेन के थ्रू, उसमें सारा माल वो कमाएगा। हमारे खेतों के बीच में से हाईवे निकाल देते हैं जिसमें 50-50 किलोमीटर बाद उतरने की जगह होती है, तो जिसका खेत आधा इधर रह गया वो उस परले खेत को बेचता है। क्यों? क्योंकि उसको बीच में से 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उजाड़ा जो आज हो रहा है, गौ माता के नाम पे लोगों को परगलाया जाता है और वो जो किसानों का खेतों में उजाड़ा कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी भी समझेंगे अजय जी,
जानवर आक्रामक हो रहे हैं। मैंने कभी जिंदगी में गायों को आक्रमण करते नहीं देखा था, आज वो 5-5 फुट की कटीली तारों के ऊपर से टापने की कोशिश करती हैं भूख की वजह से, और जब वो काटती हैं उनमें से खून निकलता है, वो जख्मी होती हैं, तब किसान के बच्चे उनको संभाल रहे होते हैं। तो जो ये बरगला रही हैं बैठ के काऊ के ऊपर, वो उनकी सेवा नहीं करते हैं बल्कि गौशालाओं में से चंदा खाते हैं, और हर तरह से किसान ही उस फ्रंट पे है। चाहे हाईवे निकल रहा है तो भी हम मर रहे हैं, जमीनें छिन रही हैं तो हम मर रहे हैं, तो वैसे क्यों ना मर जाएं। वैसे जब आत्महत्या ही करके मरना है तो हर किसान ये ठान चुका है। लोग कहते हैं ठंड में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, भाई हमारे बच्चे मर रहे हैं, मेरे पोते अनएजुकेटेड रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो मैं किसी काम आ जाऊं। ये बातें फिलोसॉफिकल नहीं रह गई हैं, अब ये धरती पे उतर आई है, किताबों से आगे ये जमीन पे आ चुकी हैं। एंड द गवर्नमेंट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट, दे माइट सप्रेस अस फॉर वन मोर टाइम। मेरा यकीन है, मेरा मानता हूं कि वायलेंस ऑलवेज सूट्स द स्टेट, इसीलिए हम हिंसक नहीं है। हम जानते हैं जिस दिन थोड़े हिंसक हुए सरकार को मौका मिल गया, आंदोलन उसी दिन खत्म हो गया। हम अहिंसक हैं, हम अपनी बात करेंगे। जेलें सरकार भर नहीं सकती, इमरजेंसी में नहीं भर पाई सरकार जेलें, तो यहाँ इसीलिए आप देखिए अरेस्ट नहीं कर रही है सरकार, इस वक्त गोली मार रही है दूर बैठी बैठी, आंसू गैस के गोले, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले, पैलेट गन्स प्रोवन इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, बट द गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट। जानकर तेलंगाना की सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज और ओडिशा की सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज लगाई जाती हैं ताकि वो हमारी भावनाएं ना समझे, हमारे से बात ना कर पाए, हमें घुल मिल ना पाए। जो कश्मीर में और उत्तर पूर्व में तशद्दुद हुआ था, जुल्म जबर हुआ था, वो आज की डेट में हरियाणा में हो रहा है। किसी को पता नहीं लग रहा है हरियाणा में जवान बच्चे घरों के आज खेतों में छुप के बैठ रहे हैं आधी आधी रात तक। जब लेडीज घर में बैठी हैं, एक नोटिस देने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के कार्यकर्ताओं के घर में नोटिस देने जब जाती हैं, 5 गाड़ियां 70 लोग एक नोटिस देने जा रही है ऑफ, इनकी पिंडियां कांप रही हैं, इनके घुटने शेक कर रहे हैं सरकार के, पर ये ऐसे शेर के ऊपर बैठे हैं कि उतरेंगे तो मारे जाएंगे, और अब सवारी इनको करते रहना है, इसी गलतफहमी में सवारी कर रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम आज एमएसपी के ऊपर था, बट आई वॉन्टेड दीज टू बी माई कंक्लूडिंग वर्ड्स, कि ये आंदोलन, ये सरकार, पिछली बार हम फरवरी में स्टार्ट हुए थे, नवंबर में दिल्ली पहुंचे थे, और अब तो हम फरवरी में स्टार्ट हुए हैं, अभी तो महीना ही हुआ है, और अब देखिए कल दिल्ली में कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन शायद हम 150 तरीके के होंगे, हम तो रोज लड़ेंगे, रोज आपस में पिटेंगे, रोज गालियां देंगे, हम लेकिन एक साथ इस सरकार से लड़ेंगे। हम अपनी लड़ाइयां हमारी अपनी है, और इसमें कोई मुगालता ना रखे, हम लड़ते भी रहेंगे, आपस में भिड़ते भी रहेंगे, लेकिन हमारा कॉमन एनिमी सेंटर है। हमारा कॉमन एनिमी इस सेंटर वो है जो कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा पोषित है, पाला गया है, जो उनके इशारों पे काम कर रहा है। ये मेरे राइट। वेरी क्विकली आपके क्लोजिंग रिमार्क्स संतोष जी। मैं यही कहूंगा कि अभी सरकार जो है ना, जिस हिसाब से उसको लग रहा है कि किसान जो है ना वो 21वीं सदी का नहीं है, किसान जो है ना डर गया, झुक गया, लेकिन मैंने क्या बोला कि पिछला 2020 के बाद आज यदि गांव में जाते हैं तो वो समझने लगा कि दिल्ली किसान आंदोलन पहले क्यों हुआ था, और आज जो है ना जिस हिसाब से मूवमेंटम, ये 30 डेज के अंदर जिस हिसाब से पूरे भारत में मूवमेंटम बना हुआ है, हर एक गांव में किसान ये बात करने लगा कि वो ये सोच रहा कि पहले ठीक है 41 जो है ना एक सेकंड 41 सेकंड में किसान मरा तो क्या होगा, सारे 4 मरेंगे, लेकिन इस बार जो है ना एमएसपी पे गारंटी कानून हम लोग लेके रहेंगे, वो सरकार को देना पड़ेगा। जेल में भी भरे हुए हैं, जेल में भी अभी मैंने बताया पूरे भारत से जब जीत आंदोलन शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में करीब 750 किसानों को अंदर करा, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग जमानत पे बाहर नहीं। अभी भी अक्षय नरवाल जो है अभी कातूर में करीब आप 25 दिन हो गए वो अंदर है, उसने बोला कि मैं जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं आएगा मैं जेल से बाहर नहीं लूंगा, धरने पे बैठे हुए 25 दिन हो गए लोग, और आप देखो आसपास के गांव के जो है ना लोग, आप 400-500 किसान इकट्ठा बैठ रहा है, और ये माहौल ये यही नहीं है। आपको दिख रहा है ना बाहर से लग रहा है कि पंजाब हरियाणा के किसानों ने, मैं ये बहु कहूंगा कि पंजाब हरियाणा के किसानों ने पूरे भारत में 2020 का जो आंदोलन हुआ उसने लड़ना सिखा दिया, नहीं तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात के जो किसान थे वो लड़ना नहीं जानते थे, लेकिन वो समझ चुके यार ये क्यों लड़ रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून जब उनको समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल जरूर लड़ रहा है, तो हमारी सबकी लड़ाई है, पंजाब हरियाणा की लड़ाई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप देखोगे तो ज्वालामुखी उनके अंदर जो है ना भर गई है, और वो ज्वालामुखी जब फटेगी ना तो पता नहीं उसका क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार इसको जो है ना संज्ञान में ले
और उद्योगपतियों से बाहर आके और ये पॉलिसी जो मेकर जो पॉलिसी में बता रहा हूँ उनके बीच में जाए, उनको समझाए। लेकिन नहीं, यदि नहीं समझाते बहुत ही डरने वाले नहीं है। 750 पहले शहीद हुए हैं, आज भी जो है ना उनके परिवारों की स्थिति वो भी बन रहा है। 750 नहीं के लग 7000 भी 7 लाख भी यदि इस MSP गारंटी कानून के लिए हम लोगों को मरना पड़ा है, शहीद होना पड़ा है, तो हम लोग होंगे। स्थितियां वैसी बात करने लगे किसान, तो सरकार से हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जाइए बीच उनके बीच में बैठिए। और ये कोई बड़ा नहीं है मुद्दा कि आप MSP गारंटी कानून देने से, ये भ्रमित मत करिए चैनलों के माध्यम से, और ना किसान अब भ्रमित होने वाला है। वो लड़ने लगा मंडियों में, लड़ने लगा मंडी में MSP गारंटी कानून से, मंडी जो MSP से नीचे बिक रही वहां लड़ने लगा। नहीं, यहां से 2-3 साल पहले हम देखते थे तो वो किसान जो है ना, ठीक है भाई जो किसान ने बोल दिया कि ले जा, लेकिन बगल वाला किसान क्यों इसका कम में बिका, इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वही रोक दे रहा है। ये मैंने देखा हुआ है मेरे अपने आंखों से। किसान जो है ना समझने लगा कि नहीं यार ये लड़ने लगा, और ये लड़ जो है ना लड़ना और कहीं से हक और अधिकार की बात कहीं सीखा है, तो 2020 में जिस हिसाब से पंजाब हरियाणा किसानों की एकता जो दिखाई है वो आज पूरे भारत में फैल चुकी है। तो कहने का मतलब है कि इस पे सोचना पड़ेगा सरकार को, और इस पे डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। भवेश जी, आपके आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स। आपका वो भवेश जी माइक। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है अनइलेक्टेड जो बॉडी है उनके पपेट बन के ना रहे। हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में महान है, इसी भारत ने शून्य दिया था और उसी शून्य के बेस पे पूरी गिनती आगे बढ़ी है पूरी दुनिया की, है ना। तो हम तो ऑलरेडी वहां नहीं है। हमें भारत, अपने आप को भारत को बात करने वाला नेता चाहिए, हमें भारत को महान बनाने वाले, भारत भारत देश की बात करने वाले सरकार की जरूरत है। हमें ग्लोबल सरकार की जरूरत नहीं है, है ना। तो इस देश के बारे में सोचने वाला नेता चाहिए हमें, ये ग्लोबल इल्यूमिनेटी के पपेट लोग नहीं चाहिए हमें। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत सारी एजुकेशनल बातें हुई, बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को समझने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा बेसिक चीजों को समझेंगे, ये समझेंगे कि समस्या काफी दिमाग के सोच की है, पॉलिसी की है, और सरकारें को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिल जो है अभी भी गांव में ही बसता है, और वहां से अगर हम दिल को हटाएंगे तो पूरे बॉडी पे उसका असर पड़ेगा। इस केस में हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है, हमारी भारत माँ है। बस मैं यही कह सकता हूं, और यही कह सकता हूं कि ऐसे डिस्कशंस हमेशा वेलकम है KJ मास्टर क्लास लाइव पे। विद दिस, इट्स अ रैप ऑन दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ द KJ मास्टर क्लास लाइव। थैंक यू सो मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग अस।